Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं आज के सेकंड क्लास में, और ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए है हमारा ये कोर्स. हमारा ये कोर्स खूबसूरत रमदान के लिए है, एक आउटस्टैंडिंग रमदान के लिए. और सिर्फ रमदान के लिए नहीं, एक आउटस्टैंडिंग जिंदगी के लिए. रमदान एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारी जिंदगी में वो टाइप का पुश मिल जाता है, साल का एक ऐसा जोरदार धक्का लग जाता है, एक इस तरह का जैसे कैटेप्यूल्ट होता है ना. कैटेप्यूल्ट, कैटेप्यूल्ट में क्या होता है, पीछे खींचते हैं और फिर जब छोड़ते हैं तो वो बहुत दूर जाके गिरता है. तो हम देखते हैं कि रमदान में ऐसे टाइप का पुश मिलता है कि जैसे कि एक साल की रमदान से नेक्स्ट साल की रमदान तक हम पहुंच जाए, उसकी जिंदगी में फोर्स आ जाती है और जो साल भर उसका फायदा रहे. लेकिन वो खूबसूरत रमदान कैसे हासिल करें, क्या वो बैरियर्स है जो रोक रहे हैं हमें, हमारे रमदान को खूबसूरत बनाने से रोक रहे हैं. तो आज के हम इंशाल्लाह क्लास में चार चीजें देखेंगे. इंशाल्लाह जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये चार दिन के कोर्स में लास्ट दो दिन में हम सब मसाइल देखेंगे. तो मसाइल इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे अगली क्लास से. दो क्लासेस में हम सारे मसाइल इंशाल्लाह रमजान के मसाइल इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से कवर करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन आज हम उसके स्पिरिचुअल गोल्स, जो हमारे स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए, उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह फोकस करेंगे कि हमारी ये रमजान कैसे आउटस्टैंडिंग बन सकती है इंशाल्लाह. मेरे भाई और मेरी बहने, एक इंसान जिंदगी में तमन्ना करता है, तमन्ना करता है, और बहुत सारे लोगों के दिलों में कहीं ये तमन्ना होती है, मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूं, मैं अल्लाह का अच्छा बंदा जिंदगी बन के जिंदगी गुजारूं, मैं अल्लाह के करीब का बंदा बनूं, जिसे अल्लाह मोहब्बत करे, जिसे जन्नतुल फिरदौस मिले, जिसे नबियों का साथ मिले. लेकिन कैसे होगा, शैतान भी तो है, बहकाता है, इंसान भी है कमजोर, और वो सारी चीजों में कैसे हम कामयाब होके जाए. नाकाम लोगों की तो बहुत लंबी लिस्ट है दुनिया की. दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो नाकाम होकर दुनिया से गए, हसरतों के साथ, उम्मीदों के साथ चले गए, इंजॉयमेंट में लगे रहे, यहाँ तक कि उनकी मौत आ गई, कुछ फायदा नहीं हुआ, दुनिया से तो चल बसे, चलना ही पड़ा, चलना ही पड़ता है इंसानों को, मानते ना ही मानते, दुनिया के अंदर मरना तो होता ही है, मरने के बाद जो जिंदगी है वो तो है ही, उसको कोई डिनाय करके भी कोई हकीकत नहीं बदलने वाली. तो अब ये सारी तमन्ना में एक इंसान चाहता है, क्या चाहता है एक इंसान, ये चाहता है मैं कैसे कामयाब होके जाऊँ. कहीं अंदर एक चाहत होती है, और बहुत सारे लोग अंदर दिल में कहीं चाहते हैं, काश मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूं, काश मैं कामयाब हो जाऊं. तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर फोकस करेंगे इसी चीज के ऊपर इंशाल्लाह, कि कैसे हम अपनी जिंदगी और कैसे ये आने वाली रमजान को आउटस्टैंडिंग बनाए इंशाल्लाह. चलिए आज के कोर्स में मैं आपको, आज के दिन में हम चार चीजें देखने वाले हैं इंशाल्लाह. फर्स्ट चीज ये होगी कि रमजान के हाईजैकर्स क्या है. हाईजैक जैसे होता है ना कि प्लेन जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, दरमियान में हाईजैकर्स आ गए, हाईजैकर्स आकर के प्लेन को हाईजैक करके कोई दूसरी जगह लेके चले गए. तो अब एक इंसान अल्लाह का बंदा बनके नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, रमजान अच्छी बनाना चाहता है, लेकिन रमजान की कुछ हाईजैकर्स, उनको जानना बहुत जरूरी है ताकि उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इंशाल्लाह. नंबर दो, आउटस्टैंडिंग रमजान कैसे, वो हम सेकेंड सेक्शन देखने वाले हैं. नंबर थ्री, रमजान की गोल सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह आज हम. और नंबर चार, गोल्स कैसे हासिल करें, कैसे हासिल करें इंशाल्लाह, ये टॉपिक हम प्रैक्टिकल तौर पर ये चीजें देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा हाईजैकर रमजान का, खाना पीना. खाना पीना हाईजैकर कैसे, भाई खाना पीने तो रोजे में हम नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, लेकिन होता क्या है कि खाना पीना सबसे बड़ा रमजान का हाईजैकर. रमजान रोजे का महीना तो है लेकिन खाने पीने का भी महीना है. किसी का सवाल एक है, और सवाल का मैंने क्यूए वाला जो सेक्शन था मैंने अपने सामने ओपन रखा है, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मुझे मेरे सामने दिखाई देगा इंशाल्लाह. इसी का सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईजैकर्स. हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक करते हैं ना, कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और दरमियान में कुछ टेररिस्ट आ गए, उन्होंने
पायलट के सर पे गन रख दी, कहा कि तुम यहाँ नहीं वहां लेके जाओ प्लीज। उसी तरह रमजान में हमारा मकसद है तक्वा हासिल करना, लेकिन रमजान को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने वाले कुछ हाईजैकर्स हैं। नंबर वन हाईजैकर क्या है? खाना पीना, क्योंकि रमजान मुसलमानों में खाने पीने का महीना बन गया है। जी हाँ, रोजा रखने का महीना है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस खाने पीने पे होता है इस महीने में। और फिर क्या होता है कि बहुत बड़ा वक्त रमजान का जाता है खाना पीने में, यानी खाने पीने की तैयारी में, कुकिंग में, या परचेज करने में, या फिर खाने पीने में। ये बहुत बड़ा वक्त रमजान का जाता है, और ये है नंबर वन हाईजैकर। जो रमजान का टाइम हमारे खास तौर से बहनों का बहुत बड़ा टाइम चले जाता है खाने पीने के चक्कर में, है कि नहीं? क्या मैं आप सबसे अगर एक क्विक सवाल पूछूं कि ये बात में कितने लोग अग्री करते हैं? शकील भाई प्लीज एक क्विक पोल बनाइए और आप ही लॉन्च करिए इंशाल्लाह, पोल बनाकर मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो जब तक पोल बन रहा है मैं आप सबको बताऊं कि ये खाने पीने के पकाने में जो टाइम जाता है तो कहां से आता है टाइम? कहां से आता है बताओ? दिन में तो 24 ही घंटे हैं, रमजान के दिन में भी 24 ही घंटे होते हैं। रमजान के दिन में भी 24 से ज्यादा तो नहीं होते। अब हमारी बहनों का टाइम अगर किचन में नॉर्मल दिनों से ज्यादा जाता, जबकि एक सुबह से लेकर रात तक जब रोजा रखे तो टाइम लॉजिकली तो कम जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा जाता। अब जाता है तो आता कहां से? वो टाइम वो तो आता है कहां से? यहां से ही आता है कि ये 24 घंटे में से ही आता है। जस्ट मिनट, आता है तो कहां से? यहीं से आता है, जैसे कि 24 घंटे में से। अब होता क्या है कि अगर हमारी बहनों का टाइम वहां जाता है तो क्या वो कुरान की तिलावत जो करने का गोल था वो गोल हासिल कर पाएंगी? कयामुल लैल में रात में तरावी भी पढ़ें, कहीं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आएगा ना। अब आप कहो ये भी हो वो भी हो सब कुछ हो तो टाइम कहां से उतना आता है? टाइम तो 24 ही घंटे है कि नहीं? तो कहीं से तो टाइम आएगा। और याद रखिए कि अगर हमारी उम्मत में हमारी बहनों का अगर टाइम नहीं आया इसमें, तो वो बहनों का मामला ये है कि घर का पूरा दारोमदार, मतलब घर में जो जान होती है वो घर की औरतें होती हैं। बच्चों पे सबसे बड़ा असर होता है तो माओं का असर होता है, और इसकी वजह से रिजल्ट ही होता है, इसकी वजह से रिजल्ट ये आता है कि हमारी बहनों का अगर ईमान और तकवा जैसा डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो रहा है, तो असर पूरे घर पे आएगा, पूरे घर पे आएगा। तो मैं आपके सामने पहले आपके व्यूज जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू फील, कि क्या खाना रमजान का हाईजैकर है या नहीं है? यस या नो, ये वोटिंग आपके सामने चल रही है, आप लोग एक वोट दबा दीजिए। इंशाल्लाह अपने ख्यालों का इजहार करिए ताकि हम सब एक अच्छा डिस्कशन कर पाए इंशाल्लाह इस टॉपिक पर। 5, 4, 3, 2, 1 एंड पोलिंग। हमारे 85% पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि यस खाना हाईजैकर है, और 15% कहते हैं नहीं नहीं खाने से खाना हाईजैकर नहीं। और ये जो 15% है ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा तबका है। हाँ, और मैं चाहूंगा कि दो लोगों का सिर्फ मैं शॉर्ट कमेंट जानना चाहूंगा। दो लोग हाथ में टॉपिक हाथ उठे हुए, मैं उनके कमेंट जानना चाहता हूँ जो ये टॉपिक पे हाथ उठा रहे हैं। सिस्टर मदी, अनम्यूट। सिस्टर मदियान, सिस्टर अतिका, दोनों को अनम्यूट ऑप्शन दिया है। हम शॉर्ट कमेंट जानना चाहते हैं जी, व्हाट डू यू थिंक रमजान के तालुक से, आप कहने बताइए जी। यस ब्रदर, मुझे लगता है कि ये खाना पीना बहुत बड़ा हाईजैकर है। जो 15% जिन्होंने वोट किया होगा वो मर्द हजरात ही होंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि लेडीज को, मतलब उनको वैरायटी चाहिए होती है खाने में, और उन्हें ये नहीं अंदाजा होता है कि कितना टाइम हम लोगों का जाता है किचन में। माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। यस सिस्टर मदीना, आपका क्या? आप अनम्यूट करें या रुखसार, सिस्टर ब्रदर रुखसार। चलिए, या ब्रदर जावेद, मैं चार लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ जो भी पहले अनम्यूट कर लें। यस सिस्टम, कैरी ऑन, आपकी आवाज आ रही थी वेरी क्विकली। या ब्रदर जावेद, आप अनम्यूट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सिस्टर बताइए। सर फिर से आपका सवाल दोहराए। सवाल कोई बात नहीं, सवाल वही है कि सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या रमजान का हाईजैकर है खाना, खाने की वजह से रमजान
हाईजैक हो रही है नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर तो ये खाने पीने के तैयारियों में भी वक्त चला जाता है, और वक्त ज्यादा से ज्यादा इसी में चला जाने की वजह से इबादत के लिए वक्त बहुत कम रह जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान भी बिल्कुल उसी में कि शाम में क्या बनाना है क्या नहीं, सब उसी में वक्त ज्यादा सर्फ हो जाता है सोचने समझने में। तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा जाता है, नॉर्मल दिनों से ज्यादा जाता है इसमें। कैसे ज्यादा जाता है? क्योंकि इफ्तार के लिए औरों को भी दावत भी तो देना होता है, फिर जिम्मेदारियां भी तो होती है। ओके ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वाकई में ये है हाईजैकर, क्योंकि इसमें तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाएगी, 3-4 बजे से, इफ्तार से भी पहले, कि इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जो बाकी इसका पर्पस होता है उसे भूल जाते हैं कि पर्पस क्या था, रोजा क्यों रख रहे हैं, तो खाने में ही उलझ के रह जाते हैं और लड़ाइयां भी हो जाती है इस चक्कर में कि ये क्यों नहीं बनाया, हमने तो रोजा रखा था और ये क्यों नहीं बनाया। तो ये है बहुत बड़ा हाईजैकर, बहुत बड़ा। चलिए मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, आयत और हदीस सुनाना चाहता हूँ इस टॉपिक पर। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आराफ सूरह 7 वर्स 31 में फरमाया, वो कुलू वश्रबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, लेकिन जाया मत करो, वेस्ट मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, यकीनन अल्लाह ताला जाया करने वालों वेस्ट करने वालों को नहीं पसंद करता। हद को पार करने वाले, जो लिमिट को पार करने वाले, अल्लाह लिमिट पार करने वालों को से मोहब्बत नहीं करता, ला युहिब्बु नहीं मोहब्बत करता। तो वला तुसरिफू, हद को पार मत करो, हद जो है लिमिट है वो उसे पार मत करो। एक है हद के जाया करना, एक है एक्सेसेस तक जाना, बहुत ज्यादा उस चीज में लग जाना। अब ये देखिए हदीस सुनन तिर्मिदी की, पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मला आदमीयुन विआअन शर्रम मिन बतनीही, कोई भी आदमी अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। मतलब जो वर्स्ट विआअन, जो बर्तन वर्स्ट बर्तन जो भरा जाता है वो है स्टमक। बिहस्ब इब्ने आदम उकुलातिन में युकिम नसुल बहु, एक शख्स के लिए काफी है कि वो इतना खाना खा ले कि उससे पीठ उसकी सीधी रहे। फइन काना ला महलता, और अगर खाने की जरूरत ही है, फसुलुसुल लिताम ही, एक तिहाई खाने के लिए, वसुलुसुल शराब ही, एक तिहाई पानी के लिए, वसुलुसुल लिनफस ही, और एक तिहाई उसके लिनफस ही, उसकी हवा लेने के लिए, सांस के लिए, 1/3 पानी, 1/3 ड्रिंक के लिए, और 1/3 खाली रहे ताकि सांस ले सके। ऐसा नहीं कि खाना ही फुल पी खा लिए और फिर उसके ऊपर पानी पी रहे हैं और फिर सांस लेने के लिए जगह नहीं, और फिर डकार वगैरह आदमी को लेनी पड़े, जैसे कि हो जाता है तरावी के अंदर। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा इफ्तार में खाए होते हैं कि तरावी के ना जब नमाज में जब थोड़े झुकते हैं उठते हैं तो डकारें आना शुरू हो जाती है। तो हवा लेने के लिए भी कुछ जगह खाली रहनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, याकुलुल मुस्लिमु फी मिअन वाहिदिन, एक मुस्लिम एक आंतड़ी में खाना खाता है, वल काफिरु याकिलु फी सबअति अमआइन, और एक काफिर जो एक इनकार करने वाला है वो 7 आंतड़ियों में खाता है। इसे शराह में बाज़ उलमा ने ऐसे समझाया, जैसे मोमिन ऐसे खाता है जैसे कि एक पेट है समझ के खाता है, और काफिर ऐसे खाता है जैसे कि उसके पास 7 पेट है, 7 आंतड़ियों में खाना, उसका ये मीनिंग एक बताया गया। और एक और हदीस इस टॉपिक पे देखिए, इब्न माजा में है, हदीस की सनद हसन है, फाइन अक्सरहुम शिबान फी दुनिया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पेट भर के खाना खाते हैं, अतवलहुम जुअन यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भूखे होंगे, सबसे ज्यादा उन्हें सख्त भूख लगेगी। होता भी यह है कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनको भूख जब लगती है तो और जोरदार भूख लगती है, जो ज्यादा खाना खाते हैं उनको भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसा ही है मामला, यानी उनका पेट ज्यादा ज्यादा मतलब उसके अंदर और ज्यादा मतलब खाली, जब पेट भी बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाती है खाना खा खा के, तो फिर उसमें खालीपन का एहसास भी ज्यादा होता है। तो कयामत के दिन जो सबसे ज्यादा दुनिया में खाना खाते थे पेट भर भर के, उन्हें सबसे ज्यादा सख्त भूख भी लगेगी कयामत के दिन। ये बहुत ही वार्निंग वाली बात है, और हम सबको डरना चाहिए, अल्लाह हम सबको ये चीज की अहमियत समझने की तौफीक दे। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बताने में मकसद ये है कि खाना नहीं खाओ नहीं है, खाना खाओ, आपको जो खाना है खाइए, लेकिन लिमिट में रखिए उसको, एक रीजनेबल लिमिट में रखिए। इंशाल्लाह मैं नहीं कह रहा हूँ दिन में भी रोजा रात में भी रोजा, ये तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, लेकिन कुछ लिमिट रखना जरूरी है, और ये हाईजैक ना कर जाए। क्योंकि होता क्या है ना, हर चीज का कॉस्ट होता है, एक कॉस्ट होता है जो पैसे में देता है आदमी, बोले पैसे में कॉस्ट दे दूंगा मैं, लेकिन एक कॉस्ट होता है जो टाइम से दे रहा है, मेहनत से दे रहा है, और वो टाइम जो जा रहा है वो रमजान का टाइम जा रहा है, और जो रमजान का टाइम है ना वो टाइम फिर क्या होगा, फिर से नहीं आएगा,
एक साल बाद मिलेगा, फिर से अगले साल खाना आ जाएगा वहां पर, फिर एक साल बाद आएगा, जिंदगी की रमजानें निकल जाएगी। लाल लकुम तकून, तकवा सीखने वाला महीना, बहुत सारी इबादतें करने वाले महीने में सबसे बड़ा फोकस जिस चीज पे होता है वो हासिल जरूर हो जाता है, खाने का टेस्ट सॉलिड मिल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉस्ट उसमें अदा करना पड़ रहा है, हमें रियलाइज होना चाहिए। यानी फ्री में नहीं मिल रहा है, उसका कॉस्ट अदा कर रहे हैं, और कॉस्ट कौन अदा कर रहे हैं? तो हमारी अगर बहनें अदा कर रही हैं तो हमारी अगली पीढ़ी उनकी गोद में पलती है, वो हमारी घरों के अंदर जो बहुत बड़ी बुनियाद है। आपको एक बीवी का असर उसके शौहर पे होता है, उसके शौहर के ईमान पे होता है, तो अल्लाह ताला ने इस चीज के बारे में भी कहा है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए, हाँ ये बात को समझना चाहिए, और उसके अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करें। मैं भाइयों को बहुत उभारूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये होगी पॉइंट नंबर वन। सेकंड हाईजैकर, सुस्ती, लेजीनेस। रमजान में जितना लोग सोते हैं, जितना आराम करते हैं, जितनी सुस्ती होती है उतना शायद ही दूसरे महीनों में मिलती है। ये नंबर टू हाईजैकर बता रहा हूं आपको, ये सुस्ती जो है ना हाईजैक कर लेती है हमारे पूरे रमजान के बड़े बड़े गोल सेटिंग। क्या करेंगे, अरे सुस्ती ही हाईजैक करके ले जाए। मतलब मैं आपके सामने बहुत बड़े बड़े ख्वाब रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये ख्वाब ख्वाब रह जाएंगे, बातें बातें रह जाएगी, लेकिन इसके अंदर रियल प्रॉब्लम ये है ना कि ये सुस्ती एक इंसान को फेल कर देती है। यानी क्या होता है मामला, बाज लोगों का मामला ऐसा है ना कि रोजा रखे हैं ना, तो भाई हम तो रोजा रखे हैं, अब ज्यादा ज्यादा आराम, दिन का जितना हिस्सा सोने में कट जाए, आराम करने में कट जाए, ताकि रोजे का एहसास ना हो। तो ये है क्या मकसद रमजान, क्या इसलिए होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे सुस्ती से, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल कसल, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ, अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह तू मुझे सुस्ती से बचा। ये सुस्ती जो है बहुत ही खतरनाक चीज है, इबादतों में नुकसान होता है आदमी को, अपने जरिया माश, अपनी दुनियावी कोशिशों में वो नहीं कर पाता अपनी सुस्ती की वजह से, सुस्ती बांध देती है उसे, जकड़ लेती है उसे, एक तरह से इम्प्रिजन कर देती है, कैद खाने में डाल देती है। एक नंबर टू हाईजैकर जो आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुस्ती। अब ये सुस्ती को पार करना बहुत जरूरी, पहले तो रियलाइज करना होगा ये बुरी चीज है, और फिर क्या करना होगा, अल्लाह की पनाह मदद मांगनी होगी, और फिर अपने आप को ओरियंट करना होगा कि नहीं मैं सुस्त नहीं बनूंगा इंशाल्लाह, मैं एक्टिव बनूंगा। देखिए क्या होता है, रमजान का मतलब ये नहीं कि रोजा रख के सोए रहो, ये क्या है मतलब, ये व्हाट इज दिस, ये कहां से आया, ये रमजान के रोजा रखा हो, मैंने रोजा रखा हो, व्हाट डू यू थिंक, क्या कर रहे हो? देखिए क्या होता है ना, बाज लोग रमजान की स्पिरिट को पूरा जाय कर देते हैं ये सब चीजों से, मतलब वो रमजान फिर आती है जाती है आती है जाती है, और रमजान में हासिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो करना था वो नहीं कर रहे। अरे भाई आप कुरान पढ़िए, कुरान नाजिल हुआ है इस महीने में, कयामुल लैल करना है, अल्लाह से बहुत दुआएं करनी है, और सारी चीजें, मतलब सारी चीजें करनी है, नमाजों की खास पाबंदी करनी है, और साल भर करनी है, लेकिन रमजान में अपनी ट्रेनिंग करनी है, अपने लिए अच्छे अच्छे गोल्स बनाने हैं, अच्छी अच्छी चीजें हासिल करनी है, लेकिन ये सुस्ती अगर बांधी रखेगी तो हम कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे? ये हो गया सेकेंड हाईजैकर। और थर्ड हाईजैकर है आ रहा है शॉपिंग, और मैं ये जो बात आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे टाइम पे रख रहा हूँ इस बार बहुत अच्छे टाइम पे रख रहा हूँ। क्यों मैं अच्छे टाइम पे रख रहा हूँ, मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखने वाला हूँ, रमजान शॉपिंग फेस्टिवल। कई जगहों पर ऐसे शॉपिंग फेस्टिवल के बोर्ड्स लगते हैं, रमजान शॉपिंग, रमजान शॉपिंग। तो शॉपिंग के अंदर क्या होता है, पूरी सड़कें भरी हुई होती है, और जो दुकानदार यहाँ पे इस क्लास के अंदर मौजूद है वो कन्फर्म कर सकते हैं, जरा हम में से कोई क्या है जो ये बात को कन्फर्म कर सकता है, मैं हाथ शकील में हाथ लो करें और कंफर्म कर सकता है कि रमजान के अंदर व्हाट डू यू थिंक शॉपिंग का क्या हाल होता है, आप सब बताइए। हाँ जी, आप मुझसे कौन बताना चाहते हैं, जो भाई हो, जो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, ब्रदर अनस खान, कहाँ गया हाथ जी, वंस अगेन फिर से हाथ उठाइए जी, अनस खान कहाँ गया, फिर से आपका हाथ डाउन हो गया फॉर सम रीजन। शकील भाई आप कर रहे हैं कुछ? जी जी ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं इंदौर से हूँ, और यहाँ एक जगह है मतलब जहाँ काफी ज्यादा 2-2.5 लाख आबादी मुसलमानों की है, कजराना में। यहाँ पर रात रात भर लेडीज की शॉपिंग होती है, पूरी रात मतलब लेडीज रमजान में शॉपिंग करती हैं, यहाँ पर ऐसा होता है यहाँ जी। बिल्कुल सही, यानी जगह जगह की बात है, साल का सबसे पीक सीजन मिलता है ना शॉपकीपर्स को मुस्लिम एरियाज में, रमजान, रमजान यानी कि शॉपिंग टाइम। और फिर क्या होता है, शॉपिंग करने के लिए शॉपर्स होते हैं और दुकानदार होते हैं, और दुकानदार को स्टॉक चाहिए, स्टॉक की वजह से सब लोग लगे हो, और मतलब सबसे बिजी टाइम ऑफ द ईयर बिजनेस का बन जाता है रमजान। हाँ पीक सीजन रमजान, बेस्ट सीजन। तो यहाँ पे मेरे सामने एक मिसाल है, सन 2020 के अंदर
हैदराबाद के मुस्लिम्स ने कहा था नो टू रमजान शॉपिंग, वजह थी, वजह ये थी कि कोविड के लॉकडाउन के अंदर लोगों के लिए खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, तो लोगों ने कहा कि हम लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, हम वो पैसे चैरिटी में देंगे, लोगों को खाना पीना पहुंचाएंगे, ऐसा लोगों ने कहा था। लेकिन रमजान का महीना शॉपिंग के लिए क्या है? शॉपिंग का मंथ है, मतलब शॉपिंग सीजन है, शॉपिंग फेस्टिवल है, क्या है ये? मैं आप सबके सामने बात ये रखना चाहता हूँ मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं प्रपोजल रखना चाहता हूँ, क्या है मामला? देखिए बाज लोग हमारी बात से अग्री नहीं करते, मैं उनके सामने एक ऑल्टरनेट प्रपोजल रख रहा हूँ। देखिए मैं जानता हूँ ईद में अच्छे कपड़े पहनना है, हाँ ईद के लिए नए कपड़े पहनना है, एक्चुअली हदीस में ये नहीं है, लेकिन जो भी कपड़े हैं आपके पास उसमें से कौन से अच्छे कपड़े हैं, बेस्ट कपड़े पहनना है ईद में, तजम्मल बिहाफिल ईद। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दिया, कहा कि मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ईद के दिन ये पहने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नहीं ईद के दिन अच्छे कपड़े नहीं पहनना है। तो अच्छे कपड़े पहनना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है, जो है आपके पास उसमें से बेस्ट। अब क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपनी रमजान को सेव करें? हमारी रमजान जो शॉपिंग का साल भर का पीक सीजन बना हुआ है, क्यों ना उससे पहले एक महीना शाबान का आता है, इसे पीक सीजन बना लेते हैं। शॉपिंग का महीना चाहिए अगर, चलो शाबान को बना लो, अभी शाबान के तकरीबन 14 दिन बचे हैं, शाबान में शॉपिंग कर लीजिए आप, रमजान के अंदर इबादत पे फोकस करेंगे। और खास तौर से रमजान का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो गुजरता है बाजारों में, जैसे बहन ने मिसाल बताई, और ये सब जगह की मिसाल, जहां जहां मुस्लिम एरियाज है रात रात भर बाकी कई घंटे कम से कम शॉपिंग चलती है, बाजारों में लोग होते हैं, जो रात सबसे बेस्ट रातें होती है लैलतुल कद्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ढूंढो रमजान के आखिरी अशरे की ऑड नाइट्स में, ताक रातों में, और लोग वो रातों में खास शॉपिंग पे निकले हुए होते हैं। तो कैसे, यानी कुछ तो लॉस होता है ना, कुछ तो लॉस होता है, रमजान का जो असल मकसद है वो फेल हो जाता है कहीं। तो रमजान हो गया है शॉपिंग का महीना, शॉपिंग फेस्टिवल, रमजान शॉपिंग फेस्टिवल, मुझे ऐसे बोर्ड्स नहीं दिख रहा है, चलो शाबान शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। तो मैं आप सबके सामने प्रपोजल रख रहा हूँ, आज रमजान का महीना नहीं चल रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, शाबान में ही शॉपिंग कर लो, जो शॉपिंग करना है शाबान में अच्छे से कर लो, फिर क्या करना है रमजान के अंदर इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे मेन गोल्स पर। अब अगर कोई कहे ये भी और वो भी, तो दोनों नहीं हो पाते, दोनों नहीं हो पाते, और फिर कहीं ना कहीं लॉस होता है, और हम एज एन उम्मा अगर सोचेंगे हम लूज कर रहे हैं तकवा के पार्ट में, और तकवा के पार्ट में जो लूज आउट कर रहे हैं उसमें वजहों में से वजह रमजान एज द मंथ ऑफ शॉपिंग हो गया है, ये वजहों में से वजह है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रमजान कहते किसे हैं, रमजान है क्या चीज, ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, ये एक मौका है अल्लाह की तरफ से, ऐसे मौके को अगर हम जाने दें तो हम ही बहुत बड़े बेवकूफ हैं। अल्लाह ताला ने वो वक्त को तैयार किया हमारे लिए, युनादी मुनादी ने पुकारने वाला पुकार रहा है, या बागी अल खैर अकबिल, खैर का काम करने वाले आगे बढ़, या बागी शर अक्सिद, बुरा काम करने वाले रुक जाओ, और वो टाइम पे हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, मतलब शॉपिंग का पीक मंथ बना हुआ है। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, कुछ प्लान बनाए, मैंने जानता हूं ये बोलकर एक वीडियो से कोई शॉपिंग का पूरा सीजन चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन बात करने से कौन रोक सकता है, मैं आप सबके सामने बात रख रहा हूँ, चलो हम सब मिलके बात करेंगे कि रमजान को शॉपिंग के लिए हटा दो, भाई शाबान ले लो, अगर चाहिए कोई महीना शाबान ले लो, शाबान में शॉपिंग करो, हलाल चीज है, शॉपिंग के मना नहीं कर रहे हैं, हलाल दायरे में कोई रहकर करता है, जाया नहीं कर रहा है पैसे, वेस्ट नहीं कर रहा है, हराम चीजें नहीं खरीद रहा है, कोई शॉपिंग से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रमजान को छोड़ दो भाई, स्पेयर आउट रमजान, व्हाट डू यू थिंक, आप सबको क्या लगता है, मतलब आप सब में से कोई सबका क्या कहना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, क्या लग रहा है आपको, हम अगर इसके अंदर रमजान को स्पेयर आउट कर दें। यस ब्रदर अमन, ब्रदर ताबिश, बिल्कुल सही है, रमजान में नहीं होनी चाहिए शाबान, हम लोग को बतानी चाहिए, फिर एक नया मतलब ये सिलसिला शुरू हो जाए। आप कह रहे हैं शॉपिंग ही नहीं करें? हाँ नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ शॉपिंग होनी चाहिए लेकिन शाबान होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताबिश एक मिनट से, ताबिश ब्रदर ताबिश मैं सुनना चाहता हूँ आपका क्या ख्याल है, एक नया सिलसिला स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, बोले शाबान की शॉपिंग का सिलसिला अभी शुरू करने की बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सही है शेख, क्योंकि वो सही बता रहे, अभी जैसे पहले सिस्टर बोल रही थी रात भर शॉपिंग करती, मेरा भी दिल्ली से ताल्लुक साल में कोई शॉपिंग सीजन हो मुसलमानों का, नोन फॉर शॉपिंग सीजन इंटरनेशनल तौर पर, तो हम लोग सब एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं आप लोग, नया ट्रेंड स्टार्ट करेंगे शाबान शॉपिंग सीजन, शाबान मुसलमानों का। मैं प्रपोजल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आके ये कहूँ शॉपिंग मत करो, कोई शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, जो कपड़े हैं पुराने वही पहनो, अब कोई मानने वाला है मेरी बात?
हाँ मतलब एक हलाल अल्टरनेटिव देना होता है, तो हलाल अल्टरनेटिव देना है तो मैं प्रपोजल ये रख रहा हूँ, चाबान शॉपिंग फेस्टिवल, क्या कह रहे हो? हाँ आप सबको कैसे लग रहा है? जिन्हें सही लग रहा है जरा हाथ रेस करो, खाली हाथ रेस करो, कोई पोलिंग नहीं है, जस्ट क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? आप मेरे साथ है, ये हम लोग नया ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। थोड़े लोग बैठे हैं यहाँ, लेकिन ऐसे ही होते हैं बड़े बड़े चेंजेस दुनिया में, बात करने से शुरुआत होती है। नो प्रॉब्लम, हम थोड़े लोग हैं, बात करेंगे इंशाल्लाह, सब लोग बात करेंगे कि शॉपिंग का एक महीना हम लोग क्रिएट करते हैं शाबान। व्हाट डू यू थिंक? जी माशाल्लाह बारकल्लाह, कई लोग मेरे साथ हैं, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर रेजिंग योर हैंड्स। और हम एक रियलिस्टिक सोल्यूशन देना लोगों को, ताकि लोगों की तमन्ना है शॉपिंग करने की, करो भाई करो, मना नहीं कर रहे। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी। ओके, अभी रमजान से पहले शॉपिंग करके रख दो। हाँ अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम हो तो जो दिखे जो आसान हो इंशाल्लाह, लेकिन रमजान का फोकस नहीं खोना है, रमजान हाईजैक करके ना ले जाए शॉपिंग हमारी। अगली चीज गेम्स, रमजान हाईजैकर, अगला हाईजैकर गेम्स है, गेम्स। और आपको देखोगे, ये मैंने कहीं से इंटरनेट से ढूंढ के निकाला, रमजान गेमिंग चैंपियनशिप, रमजान गेमिंग का महीना बन गया है, गेमिंग चैंपियनशिप चलती है, रमजान गेमिंग चैंपियनशिप। और ये देखिए पबजी मोबाइल के अंदर भी ये टूर्नामेंट, रमजान स्पेशल टूर्नामेंट। हाँ रमजान इबादत का महीना नहीं, रमजान गेमिंग महीना बना हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, रात भर जागते हैं, जागने के लिए बोलते हैं हम सहरी करके सोएंगे। अब जागने के लिए क्या है, गेमिंग है। मुस्लिम इलाकों में पहले ही होता था कि लाइट लगती थी और कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, मुस्लिम इलाकों में कॉमन नजारा हुआ करता था। अभी भी है बहुत हद तक, लेकिन अभी लॉकडाउन के साल निकले हैं और आजकल नया ट्रेंड आ गया है ऑनलाइन गेमिंग। तो रमजान गेमिंग फेस्टिवल हो गया है, गेमिंग का टाइम हो गया है। रमजान टूर्नामेंट के अंदर सॉकर खास रमजान के लिए, हाँ। और ये रमजान इज फॉर वॉट, हाँ रमजान इज फॉर वॉट, अरे गेमिंग के लिए रमजान गेमिंग मंथ बना दिया। इबादत का महीना है, कुरान रीड करने का महीना है, क़याम अल-लैल करने का महीना है, अल्लाह को याद करने, दुआएं, नसीहत, अपने दीन को इम्प्रूव करने, अपने स्पिरिट्स को इम्प्रूव करने, अपने जज्बे को उभारने, अच्छा इंसान बनने के लिए, साल भर के लिए जज्बा जमा करने का। कहां से अभी गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग लेके बैठे हुए हैं, ऑल हाईजैक करे, गेमिंग हाईजैक करे, रमजान हाईजैक करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास, दो नेमतें हैं जो अक्सर लोग इनकी कद्र नहीं करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। अस्सेहत वल फराग, सेहत और फ्री टाइम, सेहत है, फरागत है, फ्री टाइम है, ये दो नेमतें हैं जो अक्सर लोग क्या करते हैं, जाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया अगली चीज रमजान हाईजैकर। अगला रमजान हाईजैकर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। अब देखिए ये मैंने एक आर्टिकल से लाया हूं, मैं चाहता था आपको पढ़कर सुनाऊं क्या दिया हुआ है। For Facebook, which owns, ये non-Muslims हैं, for Facebook, which also owns Instagram and Google, which owns YouTube, Ramadan brings a welcome boost of business in the region. Muslim areas में Ramadan में business बड़े आता है। People in the Middle East spend so much more time. Ramadan में कितना वक्त ज्यादा गुजारते हैं, हाँ YouTube वगैरह, Facebook वगैरह। 151% increase TV dramas, soap operas की viewership में, हाँ dramas, soap operas, Ramadan के महीने में, हाँ। और ये देखिए, although it may appear a contradiction for Muslims to spend their fasting hours on YouTube, the holy month also marks a high point in viewership of religious content. However, religious programming isn't the only genre being watched. So, if religious beanie programs nahi, bahut sare dusri kisam ke programs watch kiye jaate hain, sports videos, uske andar viewership badh jati hai, video games mein viewership badh jati hai, travel videos mein viewership, action, simulation, ye sab cheezein. So, mere brothers and sisters, Ramadan social media ka mahina ban gaya hai, Ramadan shopping ka mahina, रमदान गेमिंग का महीना, रमदान खाने पीने का महीना, रमदान सोशल मीडिया का महीना। सोशल मीडिया में पीक बिजनेस मिलता है उनको, टॉप बिजनेस मिलता है, रमदान में बिजनेस मिलता है, हाँ। तो ये क्या है, हाईजैकर है। अब हाईजैकर को पहचानना, वो क्या है ना, हाईजैकर मास्क पहन के नहीं आएगा, जैसे होते हैं ना वो बैंडिट का मास्क, चोर बन पकड़ के आया है। ये हाईजैकर को पहचानना, ये आपके मोबाइल में आपके सामने है, अब आपको समझना है ये मोबाइल मेरा मास्टर नहीं है, ये मोबाइल मेरा गुलाम है, ये मेरा मालिक नहीं है, मैं उसका बंदा नहीं हूं, ये मेरा गुलाम है। इसको गुलाम की तरह ट्रीट करो, इसको गुलाम की तरह ट्रीट करना है, इसको मास्टर नहीं बनाना है। अब लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं तो छूटा नहीं है उनके हाथ से, व्हाट्सएप पे बार बार ऑनलाइन, बार बार ऑनलाइन, बार बार इतनी बार जाने की जरूरत है, काम की जितना जाओ, जितना जरूरत है उतना जाओ, टाइम वेस्ट कर, रमजान में तो थोड़ा कंट्रोल करो, हाईजैक करने नहीं देना इसे।
आप सब लोग कान खोल के इस बात को समझ लो, ये मोबाइल है ना बहुत डेंजरस डिवाइस होता है, गुलाम बना देता है। कितने लोग मोबाइल के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारते हैं, हम लोग अल्लाह के बंदे होकर जिंदगी गुजारेंगे, मोबाइल के बंदे बनकर जिंदगी गुजारेंगे? नहीं। तो समझो मोबाइल को गुलाम की तरह यूज करो इंशाल्लाह। यस, चलो नेक्स्ट। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम ये देखेंगे यहाँ इसी ताल्लुक से। सुन्नत तिर्मिज़ी की हदीस है, ला तज़ूलु क़दमु इब्नि आदम यौम अल-क़ियामा मिन इन रब्बी हत्ता युसल्लु अन खम्स, कि आदम की औलाद क़यामत के दिन अपने पांव हिला नहीं पाएगा जब तक पांच सवालों का जवाब ना दे दे। अन उमरी फीमा अफना, जिंदगी कहाँ गुजारे? तो कोई कहेगा मोबाइल गेमिंग में गुजारा है, अल्लाह अल्लाह मैं सोशल मीडिया पे गुजारा, अल्लाह बस मैं शॉपिंग में कर रहा था, ना जिंदगी कहाँ गुजारे? वह अन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहाँ गुजारे? वह माली ही मिनाय तस्बहु, पैसा कहाँ से कमाए? वह फीमा अनफकहु, कहाँ खर्च किए? वह माजा अमीला फीमा अलीमा, जो तुम्हें पता था, जो इल्म में था तुम्हारे, उस पर अमल कितना किए तुमने? जितना तुम्हें मालूम था उस पर अमल कितना किए? पांच सवाल आप मैं हम से एक एक को कयामत के दिन ये पांच सवाल पूछे जाएंगे, और जब तक जवाब ना दे दें तब तक अपना पांव हिला नहीं पाएंगे। याद रखिए इस बात को, हाँ याद रखिए इस बात को। ओके, जबान पर काबू नहीं रखना, ये एक और रमजान का हाईजैक है कि रोजे रख रहा है आदमी और बातें गुफ्तगू गीबत ये सब में आदमी लगा हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई सुबह के वक्त पे रोजे से हो, फला यरफुथ वला यजहल, उसे ये नहीं चाहिए कि कोई बेहयाई की बात करे या जहालत की बातें करे। फइनिमरुन शातमहु, कोई अगर उसे गाली दे और कातलहु या उसके साथ झगड़ा करे, फयकुल इन्नी सौइमुन, तो वो कहे मैं रोजेदार, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मतलब मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ क्या होता है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारे लोग रमजान के अंदर बेहया चीजें, फिल्में देखना लगे हुए हैं उस चीज में, हाँ, और कई चीजें, टीवी चल रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकालने के लिए कर रहे हैं। दिस इज नॉट, ये नहीं है मामला। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि ट्रेनिंग का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। मान लो मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है जो पढ़ाई के टाइम पर क्लास में जस्ट एब्सेंट माइंडेड रह रहा है, कोई मान लो मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और उसके अंदर स्पोर्ट्स एथलीट को ट्रेन किया जा रहा है, दौड़ो दौड़ो, फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है। अब उसमें कोई है जो शॉर्टकट मार रहा है, फिनिश लाइन पे बस कैसे तरह से पहुंच जाता है, और जितना दौड़ना है उतना दौड़ रहा नहीं है, जितनी एक्सरसाइज करना है नहीं कर रहा है। अब लास्ट में जब टूर्नामेंट होगा तो क्या, कौन जीतने वाला है? भाई ट्रेनिंग में तो दोनों ने ट्रेनिंग ले ली, सही ने भी और गलत ने भी, लेकिन जब लास्ट में टूर्नामेंट होगा तो तभी तो दोनों के परफॉर्मेंस में फर्क दिखेगा ना। वो डॉक्टर जो अच्छी सही तरह से ट्रेनिंग लिया उसके काम में, और जो दूसरा जो नहीं ध्यान दे रहा था उसके अंदर फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रमजान से तो कई लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी रमजान को हाईजैक होने देते हैं, मतलब उनके लिए रमजान की अहमियत नहीं होती, वो रमजान के मकाम और इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए रमजान का जो मकसद है वो हासिल करने में जो ड्राइव होनी चाहिए, उनके अंदर जो कोशिश होनी चाहिए, जो शिद्दत होनी चाहिए, जो लगन होनी चाहिए, गायब है वो, नहीं है। बिकॉज रमजान इज जस्ट अनदर मंथ, बस एक कल्चरल रमजान, हम मुसलमानों का कल्चरल सीजन है, हम मुसलमान उसमें कुछ खाते पीते हैं, हम लोग कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं। व्हाट इज दिस रमजान? लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने कहा ताकि तुम तकवा सीखो, परहेजगारी सीखो, तुम अपने दीन के करीब आओ, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे दिल साफ हो जाए, ये मकसद है ना रमजान का। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जिंदगी के बारे में सोचने वाली बात है, मतलब यहाँ सिर्फ रमजान की बात नहीं हो रही है, लाइफ की बात हो रही है। व्हाट इज आवर लाइफ टेकिंग अस टू, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? व्हाट इज, हम क्या कर क्या रहे हैं? क्या लग रहा है यहीं पे रहने वाले हैं, एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट में आकर यही सब कुछ है ना, तो करो, अगर ये दुनिया सब कुछ है ना तो इंजॉय करो, लेकिन ये दुनिया सब कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने अपने आप को नहीं बनाया, हमारा क्रिएटर है और वो कायनात का बनाने वाला है और वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, और हमारी सारी इबादत उसके लिए, हमारा जीना मरना उसके लिए, और उसने हमें बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हलाल है क्या हराम है, और हम उसके पास जाने वाले हैं और एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। तो समझदार इंसान वो है जो सही वक्त पे सही काम कर ले और अपनी लाइफ को शेप अप कर ले। भाई जिंदगी में फेल हुए ना, अगर भटक गए थे ना, तो अभी भी जिंदा हो, आपके कानों तक ये बात पहुंच रही है, आप अल्लाह के वास्ते अपने आप को रिफॉर्म करके चेंज करने का डिसीजन ले लो, और वो डिसीजन लेने का बेस्ट टाइम अभी है, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट टाइम। शैतान हमारा दुश्मन, बड़े 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 शैतान सब कैद होने वाले, और हम इस टाइम पे अपने आप को डिसीजन लेकर चेंज करना चाहें तो अल्लाह की मर्जी से ये बहुत बेहतरीन वक्त है। हालांकि इस वक्त का इंतजार नहीं करना है, जिसके दिल में आ जाए तो वो रात नहीं रुकेगा, वो उस लम्हा उस वक्त अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि अगले लम्हा हम जिंदा है नहीं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं,
रमजान सचमुच मिलने वाली है उसकी कोई गारंटी नहीं, याद रखिए। अभी दिल में आ रहा है ना, अभी अल्लाह से माफी मांग लो, तकवा इख्तियार कर लो, ये कामयाबी है। इसमें दुनिया में भी सुकून है, आखिरत में भी कामयाबी है। हाँ, ये हम सब के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्विटेशन है, हाईजैक होने नहीं देना है। फर्स्ट सेक्शन कम्प्लीट, सेकेंड सेक्शन। अब यहाँ सवाल उठता है कि आउटस्टैंडिंग रमजान कैसे हासिल करें, आउटस्टैंडिंग रमजान हम कैसे हासिल करें। हाँ, तो ये मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। और इससे पहले मैं शुरू करूं, एक कुछ दो रिलेटेड चीजें आई हुई है। एक मैंने कहा है कि सिंपल गेम्स खेल सकते हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ जायज नाजायज की बात नहीं है। यहाँ पे सवाल ये क्या है, ये सिंपल गेम्स खेलना जायज है? देखिए होता क्या है ना, हाईजैकिंग का सवाल है। थोड़ा वक्त अगर कुछ हो तो कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन टूर्नामेंट रखा जाए, सबको लाया जाए, आओ आओ सब लोग आओ, लाइट्स लगा रहे हम लोग। और इसके अंदर हलाल हराम की बात नहीं, यहाँ पे बात क्या है, गोल क्या है, क्या चीज आकर प्राइमरी बन रही है, क्या चीज आकर बाकी सब चीजों को पीछे कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। एक सवाल ये है कि कि दादी माँ कहती हैं कि ईद के दिन नए कपड़े पहनना चाहिए, नहीं अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। अच्छे कपड़े हैं आपके पास, तो कपड़े हैं ना, उसमें कौन सा सबसे अच्छे हैं वो पहनो, अच्छी चीज है। शॉपिंग करने टाइम नहीं मिला तो हराम नहीं है भाई, ये जो है ना ईद में नए कपड़े होने चाहिए। किसने कहा आपसे, किसने कहा, जो कपड़े है उसमें जो अच्छा है वो पहनो इंशाल्लाह, दैट इज द पर्पस। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आउटस्टैंडिंग रमजान कैसे। अब मैं आप सबको एक पोल देना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात सुनना चाहता हूँ जी। जिंदगी में आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, हम सब जी रहे हैं। अब कोई रमजान ऐसी सोचो जो आपके ख्याल से, आपके हिसाब से बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी। हाँ बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी, कोई रमदान ऐसी जो बिल्कुल बेस्ट रमदान, तो वो बेस्ट रमदान थी तो किस वजह से बेस्ट थी, जरा बताओ। यहाँ ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, आपको जो जो सही लग रहा है बताइए कि वो आपकी लाइफ के अंदर आप सोचो, अरे वो रमदान क्या रमदान थी, माशाल्लाह वो रमदान क्या बेहतरीन गुजरी थी। तो सब लोग टिक करिए, आपके हिसाब से जो आपकी रमदान बेस्ट गुजरी वो क्यों बेस्ट गुजरी। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है, बेस्ट तरावी की वजह से, सेकेंड कुरान की रीडिंग की वजह से, थर्ड खाने की वजह से, क्या खाना था वो रमजान में, फोर्थ को इस्लामिक प्रोग्राम आपने अटेंड किया उस वजह से, फिफ्थ आखिरी 10 रातों की वजह से, और सिक्स्थ कोई बेस्ट गुजरी ही नहीं। मतलब आप बोले भाई अभी तक तो कोई अच्छी गुजरी ही नहीं। तो जो भी आपको सही जवाब लग रहा है वोट करिए, और जितने सही जवाब चूज करने हैं उतने चूज कर सकते हैं आप जी, मल्टीपल चॉइस ही। ओके चलिए, 3 seconds मोर, 3, 2, 1 एंड पोलिंग। आइए देखते हैं सबके रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स में 51% ने कहा वो रमजान में तरावी बहुत अच्छी इसलिए बेस्ट हो गई, 60% ने कहा कुरान में पढ़ा था, कुरान रीडिंग किए थे इसलिए बेस्ट हो गई, और 3% ने कहा खाना बहुत सॉलिड था इसलिए वो अच्छी हो गई, और 28% लोगों ने कहा किसी प्रोग्राम की वजह से, और 64% ने कहा था 10 रातों की वजह से, और 5% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कोई बेस्ट गुजरी ही नहीं अभी तक। ओके तो आइए हम सब देखते हैं, ये सब बातों से हम सब ये देख सकते हैं फिर एक बार कि रियली मैं बता रहा हूँ, तरावी जो है ना ये एक ऐसी चीज है जिस वजह से पूरी रमजान पे बेस्ट असर आया था। कुरान एक ऐसी चीज है जिससे पूरी रमजान बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो जाती, और कोई इस्लामिक प्रोग्राम अगर आप लाइव या रिकॉर्डेड या ऑनलाइन वगैरह अटेंड कर रहे हैं ना तो भी रमजान पे बहुत अच्छा असर आता है, और आखिरी 10 रातों की वजह से बिल्कुल। ये चारों चीजें जो ज्यादा वोट वाले हैं ना, आई रियली अग्री विद दिस कि माशाल्लाह आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है बहुत अच्छे हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबके सामने बात ये रख रहा हूँ कि गोल सेट करना है, हमें रमजान को आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ गोल सेट करना है। और जैसे कि कुरान की आयत सूरह नजम सूरह 53 आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने फरमाया वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए सिर्फ वही चीज है जिसकी वो खुद कोशिश करे, मतलब इंसान को नहीं मिलेगा सिवाय वो मसा जो खुद कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, वही मिलने वाला है। तो हम क्या चाहते हैं, तो अच्छी हैबिट्स फॉर्म करने के लिए रमजान बेस्ट टाइम है। मतलब मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं कि रमजान को कैसे आउटस्टैंडिंग बनाए, रमजान में अच्छी हैबिट्स फॉर्म करके आगे निकलना, अच्छी हैबिट्स फॉर्म करके आगे बढ़ना है, और उनको शुरू करने का बेस्ट टाइम। देखिए मैं आपको कुछ बताऊं कि ऐसी कई सारी स्टडीज है कि हैबिट कितने दिनों में बनती है, कुछ स्टडीज के हिसाब से 66 डेज लगते हैं, कुछ स्टडीज के हिसाब से
25 डेज लगते हैं, 35 डेज लगते हैं, अलग अलग नंबर्स। और रियल बात यह है कि अलग अलग हैबिट्स को फॉर्म होने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड लगता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज आप पहले दिन कर रहे हो तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फिर उसके आगे वो चीज में आसानी होती है, हाँ वो चीज में आसानी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हब्बल अमाली लिल्लाही मा दामा व इन कल्ला, कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमाल वो है जिसमें दवाम है, हमेशगी है, पाबंदी है, रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, बराबर आदमी कर रहा है चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। मतलब कोई थोड़ी चीज आप बराबर कर रहे हो ना तो अल्लाह को वो चीज बाकी अमाल के बनिस्बत ज्यादा पसंद है, उसके पाबंदी की वजह से, उसके अंदर रेगुलरिटी की वजह से। मतलब क्या है मामला कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैबिट फॉर्म करो, ये मैसेज हमें इस हदीस में दिया जा रहा है। अच्छी अच्छी हैबिट फॉर्म करो, और हैबिट फॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा वक्त रमजान। रमजान को आउटस्टैंडिंग बनाने में मैं आपके सामने ये प्रपोजल रख रहा हूँ कि अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट क्रिएट करके हम आगे बढ़ें। ये है रमजान को बेस्ट बनाने का तरीका। कैसे हम अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट क्रिएट करें। क्या होता है रमजान में, मिसाल के तौर पे कोई कुरान पढ़ना शुरू किया, 30 दिन तक बराबर पढ़ा है, चलो कंटिन्यू करो उसे आगे, वो हैबिट को कंटिन्यू करके लाइफ में कंटिन्यू करो। रमजान में कोई बेनमाजी था, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अब ये हैबिट बन रही है माशाल्लाह। देखो क्या होता है ना, जब कोई चीज हैबिट के दर्जे तक पहुंच जाती है ना तो आदमी ऑटोमेटिकली वो चीज करता है। मतलब कोई हैबिट जब बन जाती है तो फिर क्या होता है उसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, बॉडी करती है वो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑटोमेटिक वो चीज होती है। मतलब एक नेकी करने के लिए जो शैतान से लड़ना पड़ रहा है, उसको बार बार हराना पड़ रहा है, लेकिन एक बार हैबिट बन गई ना तो हम विनिंग साइड आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं कि हमें मादामा दवाम वाली कंसिस्टेंसी वाली हैबिट्स क्रिएट करना है रमजान में। रमजान आउटस्टैंडिंग कैसे बनेगी, जब रमजान से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अच्छी अच्छी हैबिट्स फॉर्म करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हमारे लिए क्या होगा, रमजान हमारी आउटस्टैंडिंग होंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अभी हैबिट फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, रेगुलर करना होगा, छोड़ना नहीं होगा, आहिस्ता 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 वो हैबिट की स्टेज तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, आपके हैबिट्स की स्टेज तक पहुंच जाएगी। तो मैं आपको हैबिट फॉर्मिंग के ताल्लुक से एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बहुत ब्यूटीफुल बात है इस हदीस में। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हदीस का जो प्राइमरी मैसेज है ना, आप कोशिश करो कि माइंड में बिठा लो, कोशिश करो कि उसे अपने माइंड में मेमोराइज करो। सुनिए हदीस, तुरदुल फितन अल कुलूब, फितने दिल पे पेश किए जाते, कल हसीब, चटाई की तरह, चटाई होती है ना, उदन उदन, एक लकड़ी के बाद दूसरी लकड़ी, चटाई आप देखते हैं ना, चटाई के अंदर लकड़ियां लकड़ियां बहुत सारी होती है, ओपन हो जाए ना तो एक लकड़ी दूसरी लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियां निकलती, तो ऐसे दिल पर फितने पेश किए जाते हैं, बहुत सारे फितने, एक फितना दूसरा फितना, बार बार फितने दिल में पेश किए जाते हैं। फिर सुनिए क्या होता है, फायु कल्बिन उश्रिबा नुकिता फीही नुक्तातुन सौदा, जो दिल वो फितनों को ले लेता है, कबूल कर लेता है, तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता आता है, काला नुक्ता आता है। ये हदीस आपने सुने पहले, ब्लैक डॉट आता है, कौन बताएगा, देखे बगैर फेमस हदीस है, आपने शायद सुना होगा कि काला नुक्ता आता है, फिर और एक काला नुक्ता, होते 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 पूरा दिल काला होता है। ये पार्ट हदीस का बहुत फेमस है, ये हदीस का ये हिस्सा बहुत फेमस है, लेकिन जो हिस्सा फेमस नहीं है वो इसके आगे वाला, वायु कल्बिन अनकरा, जो दिल उस फितने का इनकार करता है, रिजेक्ट करता है, नहीं रिजेक्ट किया, अनकरा इनकार किया, नुकिता फीही नुक्तातुन बैदाउ, उसके दिल पे सफेद नुक्ता आता है, हत्ता तसीर अला कल्बैन, यहां तक का कि मामला बढ़ता जाता है जिससे जिससे कि वो दो दिल की तरह हो जाते हैं, दो अलग टाइप के दिल, अला अबयदा मिसल सफा, जो सफेद दिल होता है। मतलब क्या, सुनिए, फितने दिल पे पेश हुआ, जो दिल ने वो फितने को कबूल कर लिया उसके ऊपर एक काला नुक्ता आया, और जो दिल ने उस फितने का इनकार कहा, दिल में फितना आया, ऐसा करो मूवी देखो, ऐसा करो गाना सुनो, ऐसा करो बेहयाई की तरफ नजर को घुमाओ, और उसने कहा नहीं नहीं, तो जब नहीं कहता है तो एक सफेद नुक्ता आता है, एक व्हाइट डॉट आता है, और जब फितने को कबूल किया तो काला डॉट, काले डॉट की बात फेमस है, सफेद डॉट वाली बात जो है फेमस नहीं, अक्सर लोग नहीं जानते, मैंने देखा है जो, तो सफेद नुक्ता आता है, कब आता है सफेद नुक्ता,
जब फितना दिल पे पेश होता है, वो सितने का आदमी इंकार करता है, नहीं मानता, तो तब क्या होता है, उसके दिल पे उसे एज ए रिवॉर्ड एक सफेद नुक्ता मिलता है। फिर मामला चलते जाता है यहाँ तक कि दो टाइप के दिल हो जाते हैं, एक दिल पूरा सफेद, एक दिल पूरा काला काला। अब सफेद दिल कैसा होता है ये सुनिए, अलाब यदा मिसल सफा, जो सफेद दिल है वो एक चमकते हुए पत्थर की तरह होता है। फला तदुरहु फितनतुन मक़ामत अस्समावात वल अर्ज, उस दिल को फितना नुकसान नहीं पहुंचाएगा आसमान और जमीन जब तक है तब तक। मतलब जो दिल फितने का इंकार करते 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 पूरे एक सफेद चमकते हुए पत्थर की तरह वाइट हो चुका है, हाँ पूरा दिल सफेद हो गया है, तो उसे फिर फितने का नुकसान नहीं होता है। हाँ कब तक आसमान जमीन तब तक है जब तक उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुभान अल्लाह मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये चीज को बहुत लोग जानते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स की दाढ़ी दी, अब वो दाढ़ी शुरू शुरू में रखता है ना तो दिल में ख्याल आता है कि क्या निकाल दूं, और शैतान वसवसे देता है, अरे निकालो दाढ़ी, क्या कर रहे हो, मौलाना बन रहे हो। और लोग भी होते हैं जो कहते हैं अरे भाई दाढ़ी वाड़ी मत रखो, तो ऐसे होता है। लेकिन अगर आदमी ने कहा नहीं मैं नहीं मानता, मैं रख रहा हूं, एक स्टेज आखिर में आता है जब उसके दिल में फिर फितने का असर नहीं होता है। अब उसके दिल में आएगा नहीं क्या निकाल दूं, अब नहीं आएगा क्योंकि वो स्टेज पार कर लिया उसने। उसी तरह बाज लोग हैं जो फिल्म गाने बजाने में लगे हुए थे, अब शुरू शुरू में छोड़े तो बहुत दिल में ख्याल आते थे काश कोई फिल्म आ रही है, मेरा दिल उस तरफ जा रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उसने इनकार किया सफेद नुक्ता आया, इनकार किया सफेद नुक्ता आया, होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि कोई उसे करे फिल्म आई है, नाराज हो जाएगा वो, लेकिन फितना नहीं आ रहा उसके दिल में, उसे फितने का कोई असर ही नहीं हो रहा। तो मैं आप सबके सामने बात रख रहा हूँ, ये हैबिट फॉर्मिंग, यानी कि अच्छी हैबिट्स फॉर्म करना है, बुरी चीजों को निगेट करके खत्म करना है, वो एक हैबिट हो के बुरी हैबिट नहीं, वो एक हैबिट हो के हम बुरी चीज से फितने में नहीं पड़ते हैं, तो फिर क्या होगा दिल मजबूत होता है। हदीस कंप्लीट कर लेते हैं, वल आखरु जो दूसरा दिल है यानी ब्लैक दिल है, तो ब्लैक दिल है मुरबाद दिल, वो कलकुजी मुजक्खियन, वो कीचड़ की तरह गंदा, जैसे कि कलकुजी मुजक्खियन, जैसे कि एक उल्टा बर्तन, उल्टा मतलब एक प्याला है जो उल्टा है, उल्टा। ला यारिफु मारूफन, उसे ये समझ में नहीं आता है मारूफ क्या है, सही क्या है। वला युनकिरु मुनकरन, वो बुरी चीज को बुरा नहीं समझता है। इल्ला मा उशिबा मिन हवाहु, सिवाय वो जो उसके दिल की ख्वाहिश में आ जाए। मतलब क्या है ना, बहुत से लोग जो दुनिया में जीते हैं ना, उनको सही क्या गलत क्या ये नहीं होता है, उनके लिए एक चीज होती है उनकी ख्वाहिश, जो ख्वाहिश में आया ना ये सही, जो ख्वाहिश में नहीं आया ना ये गलत। हक क्या है, बातिल क्या है, नहीं, सही क्या है, गलत क्या है, नहीं, अच्छा लगा सही, नहीं अच्छा लगा गलत, उनके लिए ये पैरामीटर क्या होता है, ख्वाहिश। मैं उशिबा हवा हूं मिन हवा हूं, तो एक काले दिल के नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हक की पहचान वो दिल में नहीं होती। मतलब वो दिल को समझ में नहीं आता है हक क्या है बातिल क्या है, उसको या ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरन, उसे हक और बातिल नहीं समझ में आ रहा है, मारूफ और मुनकर नहीं समझ में आ रहा, उसको क्या अपनी ख्वाहिश हवा हूं ख्वाहिशात समझ में आ रही। बहुत डीप हदीस है, हाँ बहुत डीप हदीस है, जरूर इस मैसेज को अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करके आदत ही रहे। तो आदत कैसे बनाए, तीन स्टेजेस है। एक फर्स्ट स्टेज होता है जब एक्साइटमेंट से एक नई चीज स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है इंसान, लेकिन वो स्टेज के बाद एक स्टेज आता है, हाँ वो स्टेज के बाद एक स्टेज आता है जिसमें स्ट्रगल होती है, जद्दोजहद होती है वो हैबिट को कंटिन्यू करने। मतलब बहुत से लोग शुरू शुरू में करते हैं ना, शुरू शुरू में कर रहे हैं थोड़े दिन अच्छा है, लेकिन उसके बाद उसे कंटिन्यू करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ये रियलिटी है भाई, ये स्ट्रगल करना पड़ता है। शुरू में क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है तो तब आदमी कर रहा है, लेकिन जब वो एक्साइटमेंट ठंडा हो गया तो जद्दोजहद करनी, और फिर उसके बाद जाके एक स्टेज आता है कि हमारी दूसरी फितरत सेकेंड नेचर बन जाता है, मतलब वो हमारी हैबिट बन जाती है और तब जाके वो काम आसान होता है। ये तीन स्टेजेस होते हैं हैबिट बनने में। तो आदतों को शुरू करने के मरहले में मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। फर्स्ट ये कि छोटे कदम से शुरू करें बड़ी चीजों की तरफ बढ़ने में, मतलब बड़े गोल की तरफ बढ़ने में स्मॉल स्टेप्स। और हैबिट को कनेक्ट करना चाहिए, आदत को कनेक्ट करना चाहिए वक्त से, कि ये आदत मेरी इस वक्त की आदत है, या कोई जगह से कनेक्ट करो, या कोई पर्सन से, कोई इंसान से कनेक्ट करें, कोई एक्टिविटी से, कोई इमोशन से, कि जब दिल घबराए तो मैं अल्लाह से दुआ करें। मतलब अच्छी अच्छी आदतें क्रिएट करना, उसको कनेक्ट करना होता है, तो वो आदत हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म तक चलती है। उसे वक्त वक्त एंकर करो, कोई टाइम से कि सुबह के वक्त में मैं ये कर रहा हूँ,
मैं सुबह के टाइम पे कर रहा हूँ, घर से निकलता हूँ तो ये करता हूँ, हाँ मैं मॉर्निंग अस्कार सुबह में, सुबह शादी सनराइज से पहले मैं मॉर्निंग अस्कार मेरे पढ़ लू, मैं सुबह सुबह बैठ के कुरान पढ़ लू अपना, हाँ अच्छी आदत वक्त से कनेक्ट करना, जगह से कनेक्ट करना, कोई पर्सन की भाई मैं पर्सन अपने बच्चों के साथ होता हूँ तो मुझे ये चीज करना है, कोई दीन की बात करेंगे, कोई हदीस हम लोग साथ में पढ़ेंगे, कोई शौहर अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो चलो मैं दो अच्छी बातें करूँ अपनी वाइफ के साथ या वाइफ शौहर के साथ, कोई एक्टिविटी के साथ कि खाना खा लूंगा खाने के बाद ये करूंगा, हाँ सो के उठूंगा तो ये करूंगा, कोई एक्टिविटी से कनेक्शन, कोई इमोशन से, कोई जज्बे से, मतलब हैबिट को एंकरिंग करना होता है ताकि वो हैबिट बने हमारे, हाँ तो ये बात को हम याद रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कोई डिस्टर्बेंस आने में, वो हैबिट को टूटने में कोई डिस्ट्रप्शन आने मत, यानी क्या हो रहा है आपने हैबिट बनाया कि मैं सुबह सुबह कुरान पढ़ूंगा, फिर एक दिन आ रहा है जब बहुत तबीयत में सुस्ती है, बहुत सुस्त फील कर रहा हूँ अभी तो आज ऐसे भी करके पढ़ूंगा, अरे बहुत काम है आज सुबह नहीं मैं पढ़ूंगा, हाँ या मान लो कि आज ये हो रहा है एक दिन छोड़ दो एक दिन नहीं, डिस्ट्रप्शन आने मत, हैबिट टूटती है, आदत टूटती है, आदत टूटी ना तो वो जो आपने देखा ना एंजॉयबल स्टेज सेकंड नेचर वो सब टूटने लगता है, वो हमारे नेचर में से निकल जाता है, और कई अच्छी आदतें आदमी बनाता है फिर वो आदतों को संभालना होता है, वो आदतों को संभालना होता है, वो आपके पास एक नेमत है उसको जाया मत होने दो, वो गोल्डन एग देने वाली, गोल्डन अंडा देने वाली मुर्गी है जो रोज एक अच्छा गोल्डन एग देती है उसको जबा नहीं करती, उसको मारो मत, समझदार बनो, मतलब आदत बन गई है ना आप संभालो उस आदत, उसको वेस्ट होने मत दो, ये बहुत जरूरी बात है, उसको डिस्ट्रप्शन आने मत, और इहतिसाब सवाब की उम्मीद अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इहतिसाब मन सौम रमदाना ईमानन व इहतिसाब, जो रमदान के रोजे रखे ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से, गुफिर लहुमा तक़द्दमा मिन ज़म्बी, उसके पिछले गुनाह माफ किए जाएंगे, तो सवाब की उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद, सवाब की उम्मीद बहुत जरूरी है, और कभी ऐसा हो गया कि फेल हो गया, डिस्ट्रप्शन आ गया, आदत ही छूट गई, कोई बात नहीं वापस आओ, कम बैक ऑन ट्रैक, वापस रास्ते पे आ जाओ, मतलब हार मत मानो, शैतान को हराने मत दो, शैतान हमारा दुश्मन है, वो तो चाहता है कि जिंदगी में से अच्छी अच्छी चीजें माइनस हो जाए और वो जिंदगी में बुरे बुरे मशवरे देगा, सजेशन देगा, वसवसे देगा, बुरे रास्ते पे ले आना चाहता है, बुरी आदतें नहीं छूटे, अच्छी आदतें छूट जाए, तो अगर कभी ब्रेक हो गए ना कोई बात नहीं, डोंट गिव अप, अब फिर से खड़े हो जाओ, जिंदा हो ना, मर गए तो कोई बात, मर गए तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बात ही है, कोई बात नहीं, क्या बात है, मर गए ना तुम, तुम्हारे लिए अभी क्या बचा, तुम तो गए दुनिया से, लेकिन जब दुनिया में हो तो मौका है, जब तक दुनिया में है ना तब तक मौका है, जब मर गए ना तो मौका खत्म, ओके, और मेरा लेक्चर जितने लोग सुन रहे हैं वो सब जिंदा लोग ही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मौका है, हाँ बैक ऑन ट्रैक। चलिए ये मैंने एक और अच्छी आदत लाना है इस रमजान में, वह आउटस्टैंडिंग कैसे बने मैं आपको बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग के अंदर क्या बताया मैंने आपको, हैबिट्स कैरी करके जाओ तो ये रमजान आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, आदतें बनाना है, आदतें, हाँ आदतों को संभालना है इंशाल्लाह। और दूसरी चीज, एक और चीज, रमजान कैसे आउटस्टैंडिंग बनेगी, जैसे आप लोगों ने ये सवाल जो पूछा गया, तो कुरान स्टडी से बनती है आउटस्टैंडिंग, बता रहा हूँ ये आपको, कुरान एक खजाना है, एक कुरान एक ऐसी क्या क्या चीज है, एक मौजजा है, एक मिरेकल, मिरेकल किसे कहते हैं, कोई इंसान के लिए जो मुमकिन नहीं है वो चीज मिरेकल, अल्लाह ताला ने ये मौजजा भेजा है हमारे लिए, ये मिरेकल भेजा है हमारे लिए, हाँ शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया इंसानों की हिदायत के तौर पर, व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, जो वाज़े दलीलें हिदायत की और फुरकान हक और बातिल में फर्क, हाँ फमन शहिदा मिनकुम अश्शहर, तो तुम में से जो इस महीने को पाए फलयसूम, उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रमजान वो महीना जो अल्लाह ताला ने चुना कुरान नाज़िल करने के लिए, रमजान को वो मकाम मिला, वजाओं में से वजह कुरान का नुज़ूल है, कुरान नाज़िल हुआ इस महीने में, इट्स द मंथ जब कुरान की वही की शुरुआत हुई, कुरान नाजिल हुआ दुनिया के आसमान पर इस महीने में, रमजान के महीने में नाजिल हुआ, तो रमजान वो स्पेशल महीना है कुरान का, सिर्फ रमजान महीना नहीं है, साल भर कुरान के लिए है, लेकिन रमजान का महीना एक स्पेशल महीना है जब कुरान नाजिल हुआ। तो मैं आप सबको उभार रहा हूँ कि कुरान से कनेक्शन जोड़ना है, कुरान अरबिक मतन भी पढ़ना है, तर्जुमा भी पढ़ना है, बाज लोग ये पूछ रहे हैं कौन सा तर्जुमा सही है, क्या पढ़े, सवाल आ रहा है उर्दू में इंग्लिश में लोग ये पूछ रहे हैं, तो मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने कई ट्रांसलेशन का रिव्यू दिया था, कई तर्जुमों तस्वीरों का रिव्यू दिया था, अगर आप देखें शकील भाई अगर आप चैट में डाल सकें कुरान के ऊपर, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स का भी हिस्सा है, लेकिन आपको वीडियो डायरेक्टली दे सकते हैं कुरान के ताल्लुक से, तो आप एक अच्छा ट्रांसलेशन, ऑथेंटिक ट्रांसलेशन इंग्लिश में तफसीर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे हैं, तफसीर में तफसीर है और इंग्लिश के अंदर आप अहसनुल बयान भी है, इंग्लिश में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू में भी है,
और कई सारे आप जरूर देखिए, वीडियो भी देखिए कुरान समझने के ताल्लुक से, आपको इंशाल्लाह स्टडी करें और कुरान से कनेक्शन जोड़िए। तर्जुमा के साथ पढ़िए, अरबिक भी पढ़ना है तर्जुमे के साथ भी पढ़ना है। किसी ने कहा है कि कुरान के ताल्लुक से कोशिश करते हैं कि क्या कहा है, कुरान देख कर तरावी में पढ़ सकते हैं। जी हाँ पढ़ सकते हैं, इस बारे में मैं डिटेल्स इंशाल्लाह आगे के इसमें देने वाला हूँ। लेकिन इसके अंदर बाज सवाब कुछ चीजों में कम होता है, क्योंकि जब कुरान देख के पढ़ते हैं तो हमारी सजदे की जगह पे नजर नहीं होती है और कुछ एक्शंस एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ फायदा है कुछ नुकसान है, सोच समझ के वो आदमी देख सकता है। मैं इंशाल्लाह उस बारे में डिटेल्स बाद में दूंगा। तो कौन सा ट्रांसलेशन इंग्लिश में अच्छा है, सही इंटरनेशनल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में अच्छा है बिगिनर्स के लिए, और कुरान स्टडी करना, हाँ कुरान स्टडी करना है। कुरान के ऊपर आईपीएस टीवी के अल्हम्दुलिल्लाह बास प्रोग्राम्स भी हैं तफसीर में, वो भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। और कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना है, टारगेट बनाओ भाई अभी से स्टार्ट करो। क्यों अभी से स्टार्ट करो? क्योंकि आपको जब तर्जुमे के साथ पढ़ना है तो बाज लोगों के लिए 30 days थोड़ा टाइट हो जाता, अभी से स्टार्ट करो ताकि रमजान के आखिर तक कुरान अरबिक और तर्जुमा तफसीर के साथ इंशाल्लाह एक बार खत्म करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अपने आपको एक टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, हाँ ये गोल बनाओ। ओके नेक्स्ट चीज दुआ, आउटस्टैंडिंग रमजान कैसे बनती है, दुआ से होती है, अल्लाह से बहुत दुआएं। मैं आपको एक बार ब्यूटीफुल हदीस बताऊंगा इस बारे में, इस आयत के बाद में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें कहो कि मैं उनके करीब हूँ, उजीबु दावत दाइदा दान, मैं हर आने वाले की पुकार सुनता हूँ। तो ये हदीस देखिए कितनी ब्यूटीफुल हदीस है, मकसद अहमद में, वमा मिन मुस्लिमिन यदउ बिदावतिन लैसा फीहा इस्मुन, जब कोई मुस्लिम, जब भी कोई भी मुसलमान दुआ करता है अल्लाह से, उसमें कोई गुनाह की दुआ ना हो, वला कतियतु रहमिन, ना रिश्तेदारी तोड़ने की दुआ हो, यानी कोई गुनाह की दुआ उसमें ना हो, लाताहुल्लाहु बिहा इहदा सलास, अल्लाह उसे तीन में से एक चीज दे देता है, इमान को अज्जला लहु दावतुहु, या तो अल्लाह वो उसकी दुआ का को तभी कबूल कर लेगा दुनिया में, वही माई यद अखिरहा लहु फिल आखिरा, या तो अल्लाह आखिरत के लिए बना के रखेगा, या तो आखिरत के लिए, वही माई यसरिफान हो मिनसूई मिसलहा, या तो उसके बराबर कोई तकलीफ उस पर आने वाली थी वो चीज को अल्लाह ताला टाल दे, यानी या तो दुनिया में मिलेगी या तो आखिरत में मिलेगा, या तो कोई मुश्किल आने वाली थी वो मुश्किल अल्लाह ताला टाल देगा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ बात क्या हो रही है आप समझिए, कि जब हम दुआ करते हैं ना, तीन में से एक चीज होती है, तीन में से एक चीज, या तो वो चीज मिलेगी, जैसे कोई आदमी दुआ कर रहा है अल्लाह मुझे 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है, अल्लाह मदद कर रहे, या तो अल्लाह दे देगा उसे। नंबर दो, या तो उसके बराबर कोई तकलीफ आने वाली थी, उसे 10,000 अल्लाह नहीं दिया, कोई तकलीफ आने वाली थी, 10,000 का लॉस होने वाला था, तो उस बराबर जो लॉस होने वाला था अल्लाह ताला ने 10,000 का लॉस उसका रोक दिया। क्यों रोका? उसने दुआ की थी अल्लाह मुझे 10,000 की जरूरत है, अल्लाह मदद कर दे, तो 10,000 का जो लॉस होने वाला था अल्लाह ने रोक दिया। और तीसरी चीज उसमें ये, या तो अल्लाह ताला आखिरत के लिए रखेगा, अब सवाब की शक्ल में उसे मिलेगा, निकियां कम पड़ रही है तराजू में, हाँ निकियां एक तरफ निकियां है दूसरी तरफ गुनाह है, तो उसे मिल रहा, अरे ये सब निकियां, ये कौन सी निकियां है, ये तुमने जो दुआएं किए थे जिसकी तुम्हें दुनिया में नहीं मिला था वो अब तुम्हें तुम्हारे तराजू में दिया जा रहा है, कोई लॉस नहीं है, हाँ। और तभी तभी अल्लाह को पता है कि क्या चीज की कब ज्यादा जरूरत है, तो अल्लाह नोज क्या चीज की कब जरूरत है, अल्लाह ताला ने वो आखिरत के लिए रख लिया। तो मैं आप सबको उभारता हूँ कि दिल से दुआ करो, बहुत दुआ करो। अब सवाल ये है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि एक एक आदमी को कितनी कितनी दुआ करना अलाउड है, कौन बताएगा इसका जवाब, एक आदमी कितनी दुआ कर सकता है? जी यस सिस्टर अलीशा, हाफिज नेमतुल्लाह, जी हाफिज नेमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी हजरत, वो आपने जिस जितनी हैसियत हो उससे दुआ करें, ताकि जितनी हैसियत हो, जी जी, जैसे मतलब? अगर मुझे दुआ करनी है कि मेरे अनलिमिटेड फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे कितनी पांच No, एक एक दिन में पांच, दुआ की कोई लिमिट नहीं है, हम नमाज के वक्त में दिन में पांच है, लेकिन जैसे उठते बैठते पांच कर सकते हैं ना दुआ सुबह दिन में, और 10 करे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह तो हर वक्त देने वाला है। मतलब 10 की लिमिट है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे भाई मेरी बहने ये बात याद रखिए, आप सोचो हर दुआ में या तो वो मिलेगा या तो वैसा कोई परेशानी टलेगी या तो आखिर, सिवाय तब जब जल्दबाजी करेंगे,
मैंने मांगा अल्लाह ने दिया नहीं, तो अल्लाह ताला वो दुआ भी कैंसिल हो जाए, या सिर्फ दुनिया दुनिया की दुआ, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो गलत होती है। हाँ बाज लोग गुनाह की दुआ कर रहे हैं कैंसिल, हाँ गुनाह की दुआ है वो नहीं काउंट हो रही, लेकिन अच्छी दुआ कर रहे हो ना तो तीन में से एक चीज हो रही है। तो मेरे भाइयों बहने दुआ करो, बहुत दुआ करो। अच्छा दुआ करने के लिए दिन में एनी टाइम दुआ कर सकते हैं, कंटिन्यूस दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह से कनेक्शन रखो, हर हालत में अल्लाह से मांगो, दुनिया आखिरत दोनों की चीजें मांगो, अच्छी अच्छी चीजें मांगो। अल्लाह ताला से हमें मांगना चाहिए, अल्लाह ताला देने वाला है, खजानों का मालिक है, उसके पास कोई लिमिट नहीं है। हाँ मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये चीज बहुत जरूरी है इंशाल्लाह, इसका आप लोग पूरा ख्याल रखें, रमजान को इतनी दुआएं करिए, इतनी दुआएं करिए, अल्लाह ताला से बस मांगिए, अल्लाह ताला खजानों का मालिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है खजाने। चलिए नेक्स्ट, रमजान कैसे आउटस्टैंडिंग बनती है, एक और तरीका है क़यामुल लैल के जरिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमजान ईमानन व इहतिसाबन कुफ़र लहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिह, जो रमजान के अंदर क़याम करे ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, हाँ उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो रमजान में खास ताल्लुक है क़याम, क़यामुल लैल, तरावी से, और तरावी के अंदर अच्छी तरावी, इत्मीनान से पढ़ना, इत्मीनान से तरावी पढ़ना, सुकून के साथ पढ़ना, ये रमजान का खास चीज है। और बाज लोग क्या होता है कि रमजान में डिमांड करते हैं, देखते हैं कहाँ पे फास्ट तरावी पढ़ाई जाती है, जल्दी जल्दी कहाँ पढ़ाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ नेम से एक रसम अदा मत करो, काम रमदाना ईमान साबत, ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से, इत्मीनान से कहाँ पढ़ाया जाता है, देखो जो डिमांड होता है वो सप्लाई मिलता है, जो जैसा डिमांड होता है वैसे सप्लाई आने लगता है। अगर आपका डिमांड है कि फास्ट तरावी कहाँ है, फिर वो फास्ट तरावी में रश बढ़ रहा है, फास्ट तरावी में पब्लिक बढ़ती जा रही है, वहां पे ज्यादा लोग जहां इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं वहां कम लोग, फिर वो मस्जिद के जिम्मेदार सोचते हैं अभी हम भी अपने इमाम को कहेंगे इमाम साहब थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, थोड़ा शॉर्ट पढ़ाओ, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। अब क्या होता है वो पक्सद फेल होता है और होने लगता है। थोड़ा इंजॉय करो मेरे भाइयों, ये भूख जो लगती है ना खाने में, रमजान में खाना नहीं खाते भूख लगती है ना, उसको इंजॉय करना है। क़यामुल्लैल में खड़े हैं, तकलीफ हो रही है, थोड़ी पाँव को तकलीफ हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव सूज जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबे वक्त तक खड़े होते थे, उस तकलीफ को इंजॉय करना चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ तकलीफ बर्दाश्त करो, बैर करो, मैं कहता हूँ तकलीफ को इंजॉय करो, तो बात बनेगी, तब जाके बात होगी। हाँ तकलीफ को हमें इंजॉय करना है। नेक्स्ट चीज, रमजान को आउटस्टैंडिंग कैसे बनाए, आप सबके सामने बहुत बड़ी बात रख रहा हूँ, ये बाज लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है, वो है अपने दिल को साफ करो। हाँ दिल को साफ कर लो, रमजान में एंटर हो रहे हो, एंटर होने से पहले साफ करो, ये तरीका आउटस्टैंडिंग बनाने का। अब चाहते हैं रमजान आउटस्टैंडिंग भरे बने, अब दिल में भरे हुए हैं गिले शिकवे, पूरी बैगेज भरी पड़ी है, पूरी दिल भरा हुआ है, बर्डन। जिंदगी जीते हैं ना लोग बोझ उठा उठा के जीते हैं, और उनके दिलों में भरा हुआ है पूरा, सबके लिए भरा हुआ है, अल्लाह ताला के लिए भी बुरी बुरी चीजें भर के रखते हैं। औजुबिल्ला, अल्लाह के एहसानों को नहीं देखते हो, अल्लाह ने तुम्हें माँ के कोख में थे हम वहां हमारा संभाला, तुम्हें संभाला, मांगे बगैर अल्लाह ताला ने दी, दुनिया में करोड़ों करोड़ों इंतजाम की हमारे लिए, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे नहीं बनेंगे, बोले अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा किया था, हम सिखाऊंगे अल्लाह को क्या करना चाहिए, हमें पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, अल्लाह जानता है, वो बर है, अलबर, अल्लाह के नामों में से नाम है अलबर, तो अल्लाह अच्छा ही करता है, अलबर का मतलब अच्छा करता है, सिर्फ अच्छा करता है बुरा नहीं करता, लेकिन कैसे अच्छा हमें नहीं पता। अभी मान लो टीचर है स्कूल में, डांट रही है स्टूडेंट को, बेटा पढ़ो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अब वो बच्चे को बहुत बुरा लग रहा है, टीचर डांटती रहती है, अम्मी डांट रहे हैं आंख से खेलने नहीं दे रहे मुझे, अम्मी ने मारे बोले पनिश की, बोले आंख से नहीं खेलना अगली बार, बुरा लगा मुझे, लेकिन मम्मी को पता है ना क्या अच्छा है क्या बुरा है बच्चे को, वो बड़ी है वो केयर करती है, मम्मी को पता है। अब अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन वो आलमीन का मालिक है, वो खालिक कायनात है, उसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो जो करता है बुरा नहीं करता। अब लोग क्या है ना, दिल के अंदर भरे हुए हैं सब, सबके लिए भर के रखे, तो मैं उनके लिए चंद बातें बताना चाहता हूँ। ये देखिए ये दुआ, ये कौन सी दुआ है, आप में से कौन चैट में बताइए ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीम, तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह तू बेशक माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। हाँ ये कौन सी दुआ है, हाँ चैट में आया जवाब, कौन सी दुआ है, एक मिनट क्या मैं देख रहा हूँ, ये शब शब कद्र लिखा हुआ है, हाँ
जी लैलतुल कद्र में नबी सर बिल्कुल सिस्टर रजिया सुल्ताना ने दिया और सिस्टर रुखसार ये दो ये चंद लोगों ने सही दिया जी। तो ये क्या है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास लैलतुल कद्र के लिए दुआ सिखाई और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। अब यहाँ गौर करो, ये सिर्फ लैलतुल कद्र के लिए नहीं, ये जिंदगी का तरीका है कि अल्लाह माफ करने को पसंद करता है। क्या पसंद करता है? तो हिब्बुल अफ़्वा, माफ करने को पसंद करता है। अल्लाह पसंद करता है कि हम भी माफ करें, अल्लाह खुद भी माफ करना पसंद करता है। मतलब क्या है ना, बाज़ लोग ये कहते हैं अल्लाह तू माफ कर मुझे लेकिन मैं किसी को माफ नहीं करूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे लेकिन मैं नहीं माफ करूँ। तो तुहिब्बुल अफ़्वा जो कहा गया ना, इसके अंदर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया, सूरह नूर सूरह 24:22, वलियाफू वलियस्फहू, माफ करो दरगुजर करो। अला तुहिब्बुना यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तुम ये पसंद नहीं करते अल्लाह तुम्हें माफ करे? तुम माफ चाहते हो ना अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तो तुम भी माफ करो दरगुजर करो। मतलब माफ करो दरगुजर करो। मेरे भाई मेरी बहनें, आप में से जो लोग ये रमदान को आउटस्टैंडिंग रमदान बनाना चाहते हैं, रमदान से गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बी, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए, ऐसी चीज हासिल करना चाहते हैं कि माफ हो जाए, क्लीन हो जाए मेरा रिकॉर्ड, तो मैं आपसे कहता हूं आप भी माफ करो, बिल्कुल साफ कर दो, साफ कर दो, कोई भी बैगेज कैरी मत करो, रमदान में हम एंटर होने वाले हैं, चलो साफ कर दो। देखिए उमर अदलान के वर्ड्स, कितने अच्छे वर्ड्स उन्होंने कहा, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा, वला युगफरु मन ला यगफरु, जो माफ नहीं करता उसे भी माफ नहीं किया जाएगा, वला याफू मन ला याफू, और जो दरगुजर नहीं करता अल्लाह उसे भी दरगुजर नहीं करेगा, वला युवक्का मन ला यतवक्का, और जो जो अपने आप को जो हिफाजत नहीं करता, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो अल्लाह भी उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो ये भी एक बात है, और युवक्का के अंदर सारी चीजें शामिल है एक्चुअली, कि माफ करना भी उसके अंदर शामिल है, लेकिन युवक्का के अंदर लोगों की हिफाजत करना भी उसमें शामिल है। अदबुल मुफरद में हदीस सही सनद से मिलती है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चलो बैगेजेस को एंटी करो दिल से, रमदान में एंटर हो रहे हैं अच्छे गुमानों के साथ, अच्छे ख्यालों के साथ जाते हैं, क्या करेंगे भाई बैगेज लेके क्या करोगे? क्या आप जानते हैं कितने सारे लोग परेशान जीते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूरी परेशानी जमा करके रखी है? छोड़ दो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए माफ करो, अल्लाह से हम माफी मांग रहे हैं, हम भी माफ करेंगे, मैं माफ नहीं करूंगा अल्लाह लेकिन तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा लेकिन तू मुझ पर रहम कर। कॉन्ट्रडिक्टी नहीं लग रहा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है? ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ना ये वर्ड जो है ना, तो हिब्बुल अफवा, तो माफ करने को पसंद करता है, माफ वनी मुझे माफ कर दे, इसमें इनडायरेक्टली वो बात है। ऐसी कई हदीसें हैं, हाँ ऐसी कई हदीसें हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात ही कर रहे हैं, ये हमने आउटस्टैंडिंग रमदान कैसे में कुछ सजेशन, मैंने क्या सजेशन दिया जो आपके पोल के बेसिस पर और कई और चीजें, कि रमदान आउटस्टैंडिंग कैसे बन सकती है अगर आप कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स ये रमदान में कलेक्ट करके आगे बढ़ो, रमदान में हैबिट फॉर्मिंग कर ले इंशाल्लाह, हैबिट फॉर्मिंग साल भर का फायदा होगा इंशाल्लाह, रमदान से हैबिट बनाना है इंशाल्लाह। एक और चीज कुरान स्टडी, एक और चीज दिल के अंदर साफ कर देना, माफ करना, दुआएं बहुत करना, क़ियामुल्लैल पे फोकस करना, ये सब चीजों से रमदान आउटस्टैंडिंग बनती है। हाँ ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रमदान की गोल सेटिंग का टाइम, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या हम सब थियोरी 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 बात करेंगे और फिर जाएंगे, या कुछ प्रैक्टिकल करने वाले? तो मैं आपको उभारना चाहता हूं, कम ऑन, प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करेंगे, प्रैक्टिकल। हाँ, तो प्रैक्टिकल गोल सेटिंग में पहले मैं आपके सामने ये कुछ बहुत अच्छी चीजें ये रखना चाहता हूँ, गोल्स की लिस्ट, रमदान गोल्स। हाँ, मैं आपके सामने ये सजेशन के तौर पर रख रहा हूँ कि चलो कुछ अच्छे गोल सेट करते हैं प्रैक्टिकल तौर पर हासिल करने के लिए। तो ये कुछ अच्छे गोल्स है, चलो मैं आपके पोल में आपके सामने रख रहा हूं। अपने गोल सिलेक्ट करें इस रमदान के लिए, ये लीजिए आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक से ज्यादा। आपको क्या लगता है इसमें से कौन कौन सा गोल बहुत अच्छा गोल है, भाई ये गोल मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में? रमदान की कुछ गोल सेटिंग, पहले ईमान और सही अकीदा सीखना, हाँ, सेकंड नमाज में खुशू के साथ वाला गोल लगाओ कि भाई मैं नमाज में खुशू के साथ पढ़ने का गोल सेट करना चाहता हूं कि मैं हर नमाज पढ़ू तो खुशू के साथ पढ़ू। कैसे सेट होगा, कैसे करेंगे, मैं आपको आगे बता रहा हूं, अभी गोल सेट करो, नियत करो,
नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ना, ये गोल सेट करना कि भाई नमाज मैं अव्वल वक्त पे पढ़ना चाहता हूँ, तो ये गोल है, ये मेरा गोल है इस रमजान से इंशाल्लाह, आदत बनानी, नमाज जमात के साथ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना, कुरान तफसीर पढ़ना, कुरान हिफ्ज करना, हिफ्ज हाँ कुरान की कुछ आयतें सुन्नतों को हिफ्ज करना, सुबह शाम के अस्कार साबित शुदा अस्कार पढ़ना, मतलब हाँ साबित शुदा अस्कार पढ़ना, क़ियामुल्लैल और तरावी पढ़ना, मतलब ये सब गोल सेट करना। तो आपको कौन सा वो, उसके नीचे एक और है सदका करना, ज़कात देना, बहुत दुआएं करना, इनमें कौन से गोल्स आपको इंस्पायर कर कि वो लग रहा है कि भाई ये गोल मैं सेट करना चाहता हूँ, अच्छा अखलाक डेवलप करना, और भी कुछ है तो वो अदर्स में भी सिलेक्ट करिए। जी मैं आपको बस हाँ 10 सेकेंड्स देना चाहता हूँ, आप लोग अपने कुछ गोल्स सिलेक्ट करिए, थियरी नहीं प्रैक्टिकल गोल सेट करिए, फिर कैसे आगे बढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं गोल्स लोगों के क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग गोल्स लोगों ने सेट किया है, अलग अलग लोगों ने, कोई चीज ज्यादा है कोई चीज कहीं पे कम है, लेकिन गोल्स माशाल्लाह लोगों ने अपने तौर पर सेट किया, वेरी गुड। नीयत से शुरुआत होती है, बात खत्म लेकिन वहां नहीं होती, नीयत से शुरुआत जरूर होती है। आइए हम आगे बढ़ेंगे, आपने नीयत की, अल्लाह ताला आपकी इस नीयत में आपको कामयाबी दे। अब हम ये देखेंगे कि क्या करना है, तो सबसे पहले एक चीज डील करनी पड़ेगी, मतलब गोल्स के ताल्लुक से हासिल कैसे, क्या गोल्स हासिल हो सकते हैं, आपकी क्या सोच है इस बारे में, क्या गोल्स हासिल हो सकते हैं, मतलब क्या। तीन ऑप्शन है, पहला बाज लोग बोलते हैं अरे जो गोल बनाते हैं ना कभी हासिल नहीं होते, गोल बनाने का ही नहीं ऐसे ही हासिल हो जाते सब, गोल बनाए तो हासिल ही नहीं होते, बाज लोग ये कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि सिर्फ इरादा करने से ही हासिल हो जाते, सोचो हासिल हो जाएगा, और थर्ड है सही कोशिश और प्लान से हासिल होते। आपको क्या सही लग रहा है, अपने थॉट शेयर करें, तीन ऑप्शन है, तीन में से एक वोट करें, हाँ कौन सा आपको लग रहा है सही है। टाइम अप, ये देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं। माशाल्लाह 98% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब सेलेक्ट किया। देखिए क्या होता है, बाज लोग जज़ाकल्लाह खैर, बाज लोग जी बाज लोग क्या करते हैं, एक मिनट और रुकिए, हाँ बाज लोग कभी कभार नेगेटिव हो जाते, गोल्स कभी भी हासिल नहीं होते, क्यों, क्योंकि कभी वो कुछ गोल सेट किए थे उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, जिंदगी में ना नेगेटिव हो जाते हैं जिंदगी के अंदर। सेकंड है बाज लोग होते हैं इस तरह से सिर्फ नियत करने से गोल्स हासिल हो गया, उनके लिए वही होती है नियत करके बस हो गया, ऐसे भी नहीं है। और थर्ड है सही कोशिश और प्लान से हासिल होते हैं। हाँ तो गोल्स क्यों, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गोल्स इसलिए सेट करना होता है कि अगर कोई मंजिल सामने नहीं है ना तो आदमी बेमकसद होता है। अगर गाड़ी के पास गूगल मैप में अगर लोकेशन डेस्टिनेशन सेट नहीं है ना तो गूगल मैप क्या डायरेक्शन बताएगा। हाँ तो गोल सेट होना जरूरी है, गोल्स होते हैं तो आदमी उसके लिए मोटिवेटेड फील करता है, उसके अंदर चाहते आती है मेरा गोल है, और वो बड़े गोल के लिए छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं। जैसे बड़ा गोल है मुझे जन्नत जाना, मुझे जन्नतुल फिरदौस जाना, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, मुझे नबियों से मुलाकात करना, मैं नीचे के लेवल पे नहीं होना चाहता हूं, मैं ऊपर के लेवल पे जाना चाहता हूँ, गोल है। अब वो गोल तक पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे ही पहुंच जाएंगे तमन्ना से, तो हाँ कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो गोल्स क्यों, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबको उभारता हूँ कि कुछ गोल सेट करना चाहिए, क्या अच्छी आदतें हैं जो हमें लाना है, क्या बुरी आदतें हैं जो छोड़ना है। हाँ वो गोल सेट करो। अब देखो ये आप अपने आप को जानते हैं, हो सकता है कोई है जो स्मोकर है, तंबाकू खाते हैं, पता है ना तंबाकू से स्मोकिंग से कैंसर होता है, ये जहर है, स्लो पॉइजन है, हराम है, हराम है, मकरू वाली बात नहीं बोलना, हराम है ये, क्लियर कट। अब आपको निकालना है लाइफ से, तो ये गोल हुआ आपके लिए, रमजान इज द टाइम, अभी से स्टार्ट करिए इंशाल्लाह, और गोल सेट करिए कि रमजान तक आखिर तक इंशाल्लाह आप अपने अंदर से निकाल रही है। कोई बहन है गीबत करने की बहुत आदत है, फोन करके लगी हुई है सबकी गीबत, अरे वो ऐसी वो वैसी वो वैसी, अब वो चाहे उनकी जुबान जो है ना, मालूम है आपको ये जुबान बर्बाद कर रही है बहुत से लोगों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अक्सर खतोया इब्न आदम फी लिसानी, अक्सर खताएं आदम की औलाद की उसकी जुबान की वजह से होती। अब बाज है कोई है बहुत, कोई भाई है बहुत गुस्से वाला है, बात बात में गुस्सा,
अब उनके लिए क्या है, सभी शासन ने कहा लैस शदीद बिसुरा, जो मजबूत कौन है, वो नहीं जो अपनी ताकत से किसी को पछाड़ दे, लेकिन शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल क़ज़ा, मजबूत वो आदमी है जो गुस्से के वक्त पर अपने ऊपर काबू नहीं छोड़ता। ये होता है ताकत वाला शख्स कौन है, जो गुस्सा आ गया लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं छोड़ा है, ये होता है मजबूत आदमी। और कौन, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ किसी का प्रॉब्लम ये है, कोई भाई का प्रॉब्लम हो सकता है ये है कि ऐसे तो लाइफ चल रही है लेकिन जहां पैसा सामने आ गया फायदा, तो हलाल हराम नहीं दिखते, बस फायदा मेरे पास आ जाए, मेरा हक है कि नहीं है, हलाल है कि नहीं है, सही है कि नहीं, नहीं बस पैसा आना चाहिए जाना नहीं चाहिए, उनकी कमजोरी पैसा होता है, तो वो गोल सेट करें कि मुझे कमजोरी पार करना है इंशाल्लाह, पैसा तो छोड़ के निकल जाएंगे दुनिया से, ये पैसे के बारे में कल पूछाएगा कमाए कैसे तो क्या जवाब दूंगा, कयामत के दिन ही सवाल आने वाला, एक एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा अकाउंट, क्या करोगे। तो अब एक इंसान गोल सेट करे, नहीं मुझे नहीं कि ये सब मुझे चीज से बचना है। मान लो कि कोई ओवर ईटर हमारे पास है, किसी ने एक सवाल पूछा था भाई बहुत ज्यादा खाने की आदत है कैसे छोड़े, हाँ कैसे छोड़े, तो कैसे छोड़े, आदमी गोल सेट करें कि हाँ मुझे अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट छोड़ना है इंशाल्लाह, हाँ गोल सेट करें, अल्लाह की मदद मांगते हैं और कैसे करना है वो हम दिखने वाले हैं इंशाल्लाह। ये मेरा लास्ट सेक्शन है, अभी टाइम बचा है मेरे पास, सिर्फ 9 मिनट बची, जल्दी करना पड़ेगा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं उभार रहा हूँ कि अपने अच्छे अच्छे गोल सेट करें इंशाल्लाह, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हाँ अब गोल्स कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले गोल में ना कौन सा गोल सबसे अहम है वो पहले डालें, प्रायोरिटाइज करें। मतलब मान लो आपके 10 गोल है तो 10 गोल में कौन से गोल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है उसे पहले डालेंगे। इसके ना कायदा होता है पहले अलहम फिर मुहिम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले फिर उससे कम फिर उससे कम। हाँ तो गोल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर डालना, और गोल्स में ये याद रखिए स्मार्ट गोल्स, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल में क्या है स्पेसिफिक, क्या गोल चाहिए आपको, क्या है कि मतलब मिसाल के तौर पे आदमी अगर गोल सेट करे कि मैं कुरान डेली पढ़ने की हैबिट डालना चाहता हूँ, रोज मैं 20 मिनट पढ़ू ये मुझे आदत डालनी है, रोज मैं इतना कुरान पढ़ू ये मुझे आदत डालनी, नमाज में तकबीर तहरीमा में पहुंचने की मुझे आदत डालना है, अभी गोल सेट करें अल्लाह हम सबको काफी। या मान लो कि मिसाल के तौर पे कोई गोल सेट करना चाहता है कि मैं पूरे महीने में एक बार भी मेरा टेंपर ऑफ नहीं हो, हफ्ते में एक बार भी मैं गुस्सा नहीं हूँ, या कोई बहन अपना गोल सेट करना चाहती भाई भी कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी जुबान को कंटिन्यू करते रहते हैं ना, बस लोग इतनी बात करते हैं इतनी बात करते हैं, इतना लोगों के दिल दुखाते हैं, इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है, उनको एहसास भी नहीं होता है कि ये जुबान जो होती है ना ये इसका जवाब देना है क्या, एक एक वर्ड का जवाब देना है, एक एक लफ्ज आएगा सामने तो क्या करूंगे, बोलो क्या करूंगी सोचो। तो मेरे भाई बहुत से लोग गोल सेट करें अपना कि नहीं मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूंगा इंशाल्लाह, एक बार भी फेल नहीं होना है। तो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल यानी नाप सको कि पूरे हफ्ते में एक बार भी मुझे टेंपर नहीं खोना है, मुझे सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना है। एक्शनेबल हो, मतलब ऐसे नहीं कि उसके अंदर कोई एक्शन ही नहीं, कोई उसके अंदर एक्शन हो कि क्या स्टेप्स है, क्या करना क्या है, रियलिस्टिक हो, ऐसा नहीं ओवरलोडेड कि मैं पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लूं एक महीने, बहुत मुश्किल है ना एक महीने में कुरान हिफ्ज़ कर लो, मुश्किल है, करने वालों ने किया है लेकिन मुश्किल है, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो कि कितने टाइम में अचीव करना है। ये गोल, अच्छे गोल के अंदर ये 5 क्वालिटीज होती है, स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है और अचीव एक्शनेबल होता है, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड, हाँ ये एक अच्छा गोल सेट करें इंशाल्लाह। तो ये सबके बाद आइए हम लास्ट सेक्शन पर आते हैं, गोल्स को हासिल कैसे करें। हाँ मैं आपके सामने 10 टिप रखना चाहता हूँ कैसे गोल्स हासिल करें इंशाल्लाह, और आप अपनी जिंदगी के गोल सेट करके इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं अल्लाह की मदद से बिस्मिल्लाह। देखो क्या होता है, गोल्स की मिसाल कैसी है ना, जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील होती है, ये है गोल, लेकिन खाली स्टीयरिंग व्हील लेके घुमाते रहो गाड़ी नहीं चलने वाली, उसको एक्सेलेरेटर भी चाहिए, गाड़ी इंजन स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, एक्सेलेरेटर दबाना पड़ेगा, तो कुछ एक्शन आइटम्स भी चाहिए। यानी कि जैसे होता है ना कश्ती में, हम बोट में बैठे हैं, बोट में आगे होता है ना जिससे डायरेक्शन मिलता है, हाँ क्या बोलते हैं रडर, डायरेक्शन मिलता है बोट को, लेकिन खाली रडर घुमा के गाड़ी कहीं पहुंचने वाली नहीं, बोट ओट लेकर ओर्स लेकर चलाना भी पड़ेगा, हाँ चलाना भी पड़ेगा, बहुत जरूरी। तो गोल्स हासिल कैसे करें, 10 पॉइंट्स। पहले तो स्मार्ट गोल हो, वो सही गोल हो। गोल क्या है ना, कई बार गोल गलत होता है इसी वजह से अचीव नहीं हो पाता, गोल में कुछ
मेजरेबल चीज नहीं होती। हाँ मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अच्छा बोले माशाल्लाह, लेकिन उसको स्पेसिफिक आइटम बनाओ कि अच्छा आइटम में, अच्छा इंसान में मैं गुस्सा नहीं होना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, मैं हर महीने किसी इतने लोगों की मदद करूँ, मैं गुस्सा महीने में एक बार भी मुझे अपना टेम्पर नहीं खोना है, मतलब अपने गोल सेट करें, मैं नमाज पांचों वक्त की पाबंदी से पढ़ूं, मैं सुन्नत में 12 रकात जो है ना जिसकी वजह से जन्नत में महल मिलेगा 12 रकात पढ़ूं, तो अच्छे गोल सेट किए जाए इंशाल्लाह। कैसे हासिल करें 10 पॉइंट्स? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाज लोगों की जिंदगी है ना गोल के गोल 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 घूमते हैं, डायरेक्ट अचीव नहीं कर पाते। तो हमें गाड़ी में एक्सीलेटर भी चाहिए, अच्छा रडर से डायरेक्शन तय करने के बाद वो चलाना भी है, ओर से चलाना भी पड़ता है तो जाके कश्ती आगे बढ़ेगी, है ना, बोट आगे बढ़ेगी। तो ये सबसे पहले गोल्स वाजे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए क्या चाहिए तुम्हें, क्लियर कट। नंबर दो, रियलिस्टिक होना चाहिए जो हासिल किया जा सके, अनरियलिस्टिक गोल है तो हासिल नहीं हो पाएगा। गोल की अहमियत क्या है, देखो याद रखो वो गोल जो है जिंदगी में बाद में आज हासिल होगा, पहले दिल में हासिल होगा। पहले दिल सोचता है मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस, मुझे चीज लानी है अपनी जिंदगी में, फिर जाके वो आएगी। हाँ ये पहले दिल में हो, पहले अहमियत पता हो, उसको याद रखे आदमी, उसको फॉलो करे, उसको फील करे, याद रखिए इस बात को। देखिए क्या होता है, ये गोल के अंदर क्या गोल है उसकी अहमियत जानेंगे तब जाकर बहुत आसानी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। पुख्ता इरादा करना होता है, अजम करना होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए ये चीज, मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब आप अगर मान लो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो जिसमें आपकी लाइफ में कुरान नहीं है ना, बहुत ड्राई लाइफ है आपकी, आपकी लाइफ है ना कि जान मिसिंग है, जान समझ लो सिर्फ रूह के बगैर बस जिस्म जी रहा है, कुरान जो है ना अगर आपकी लाइफ में नहीं है ना डेली रोज, तो आपको मालूम नहीं आप क्या करोगे, वो जब आएगा तो ही आप फील कर सकते। तो मैं आपको उभारता हूँ, गोल्स में एक गोल ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के कलाम को अपनी डेली लाइफ में लाए, कुरान पढ़ें, समझें, गौर करें, हाँ तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, टाइम निकालो ही निकालो, कैसे नहीं निकाल सकते, टाइम निकालो ही निकालो। तो पुख्ता इरादा और अज्म होना चाहिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए, अज्म होना चाहिए। हाँ नंबर 5, अपने आप को डिफीट मत करो और किसी को डिफीट करने मत दो। मतलब बाद लोग खुद ही अपने आप को हरा देते, बोले नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, अरे अल्लाह तक की मदद से भी नहीं होगा, अल्लाह की मदद से भी नहीं होगा, अल्लाह की मदद से होगा ना, तुम कमजोर हो कि अल्लाह पावरफुल, अल्लाह ताकत वाले, अल्लाह की मदद से मुमकिन है। रियलिस्टिक गोल सेट किए, अब अल्लाह की मदद से पूरी कोशिश करो, हराओ मत अपने आप, अरे तुम करोगे, तुम ये करोगे, तो उनको हराने मत दो। हाँ रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन उनकी बात को निगेट करना छोड़ना है। बड़े गोल्स को छोटे इजी इजी गोल्स में डिवाइड करना होता है, बड़े बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करना होता है। अल्लाह की बहुत मदद मांगनी होती है, अल्लाह की मदद मांगनी होती है। अपना मुहासबा जायजा लेना चाहिए, हाँ जायजा लेना चाहिए, और एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो नमाज में जमात से नहीं पढ़ रहा है, अब वो इमेजिन करता है कि मैं जमात से पढ़ने वाला हूँ, अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि तकबीर तहरीमा के टाइम पे वहां पहुंचता है। हाँ या मान लो मिसाल के तौर पे कोई है जो गुस्से वाला है, गुस्से में अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल खो देता है, अब वो विजुलाइज कर रहा है कि कूल सा इंसान है जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, अब वो सोच रहा है ये मैं हूं, मैं ऐसा हूं, अपने बारे में इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, एंड रिजल्ट विजुअलाइज करो। या जैसे मिसाल के तौर पे आप कुरान नहीं पढ़ रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि डेली कुरान पढ़ने वाला मतलब मैं हूँ, मेरा कुरान माशाल्लाह, अपने आप को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, तसव्वुर करो, और अगर कभी नाकाम हो जाओ तो फिर से डोंट गिव अप, फिर से कोशिश करो, फिर से बेहतर कोशिश करो। हाँ तो गोल्स में कामयाबी, ये इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई मेरी बहनें, आखिर में मैं आपको ये कहूँगा, लास्ट 1:45 फिनिश करूंगा मैं ऑफिशियली क्लास, सवाल जवाब लूंगा। आखिर में मैं आपसे बात ये कहूंगा कि ये सब बातें है ना तब होगी जब आप चाहते हो। लैसा लिल इंसानी इल्ला मासा, इंसान को नहीं मिलेगा सिवाय वो जो खुद जो कोशिश करेगा, जो खुद चाहेगा। हम सब इंसान हैं, कमजोर हैं, कमियां हैं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह की रहमत भी तलब करते हैं, अल्लाह से हिदायत भी तलब करते हैं। हार नहीं मानना है, अल्लाह की मदद मांगो भाई। खात्मा किस चीज पे होता है वो चीज फाइनल है, ये फाइनल नहीं है कि जिंदगी में कभी कमजोर थे, कभी हारे, कभी जीते, ये फाइनल है कि तुम अल्लाह की रहमत से खात्मा तुम्हारा बिल खैर हो। लास्ट क्या चीज हुई याद रखो,
इन्नमल आमालु अला खवातिमिहा, सही बुखारी की हदीस, आमाल का दारो मदार खात्मे पर। तो खात्मा हुआ नहीं अभी तक, अभी जिंदा है ना हम लोग, खात्मा बाकी है अभी तक, अभी कोई कमी है तो अल्लाह की मदद से पार हो सकती है, पार हो सकती है इंशाल्लाह। लेकिन खात्मा, हाँ खात्मा उसके लिए विच खैर पर हो, ये असल बात। तो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, बहुत बड़ा मौका हमारे सामने है अपनी लाइफ के अंदर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाने का मौका है, इस मौके को जाने नहीं देना है, ईमान के साथ अल्लाह पे भरोसे के साथ आगे बढ़ना है, अल्लाह की मदद तलब करके आगे बढ़ना है। मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है और हम अल्लाह से तलब करते हैं कि अल्लाह ये रोशनी वाले महीने में हमारी जिंदगी में भी रोशनी ले आए, ये रहमत वाले महीने में अल्लाह हमारी जिंदगियों में भी को भी पर भी रहमत बरसा दे, अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पर चलने वाला बना दे, नेक रास्ते पर चलने वाला बना दे। आमीन वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। चलिए मैं सवाल जवाब शुरू करता हूँ। पहला सवाल, रहमतुल्लाहि बरकातु सर, सर मुझे जो शाबान के महीने में कुछ बिदात होती है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ पूछना था कि इसमें क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो अगर आप बता दें। जी, शाबान के महीने के ताल्लुक से जो अभी है, 15 शाबान का तो गुजर ही चुका है, हाँ जी गुजर चुका है वक्त, लेकिन हकीकत यह है कि 15 शाबान के ताल्लुक से बहुत इबादतें लोगों में मशहूर है उसके ताल्लुक से, लेकिन सही हदीस में नहीं आई है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है वो करना हम करें, अगर कोई करेगा जो चीज कुरान में नहीं है, सही हदीसों में नहीं है, अगर हम वो करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथा फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित इस समय से नहीं है वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी। तो बहुत डरने वाली बात है हम सबके लिए, और हम लोगों को वही चीज पे फोकस करना चाहिए जो साबित है, वो चीज पे रहना चाहिए इंशाल्लाह। जी, मैं क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे जो चैट में पहले दिए हुए, मैं फर्स्ट फोकस, अच्छा आप सबको बताऊँ ऑफिशियली क्लास हम यहाँ खत्म कर चुके हैं, लेकिन अनऑफिशियली मैं जो सवाल है उनको कवर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एक सवाल आया है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, बच्चे नमाज पढ़ें, पढ़ने को तो नहीं करते और डर से पढ़ते हैं। ओके, एक सवाल एक किसी का है, दो सवाल है बल्कि, एक सवाल ये है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, आप जो करना चाहते हो पहले आप इमेजिन करो अपने आप को बगैर गुस्से वाला, हाँ, और फिर उसके अंदर अल्लाह की मदद मांगो, और हर चीज के स्टेप्स हैं, हर चीज के स्टेप्स हैं। गुस्सा आया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जी पढ़ो, गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, गुस्सा आए तो कुछ अपने आप को डाइवर्ट करो, वो चीज से बाहर निकलो जहां से गुस्सा आ रहा है, जो सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, वो टिप्स को भी देखिए, अल्लाह से मदद मांगे, और एक इंसान जो कुछ चाहता है अपने आप को विजुलाइज करो कि मैं बगैर गुस्से वाला इंसान बनूं, इंशाल्लाह बन जाएंगे। दूसरा, के बच्चों को नमाज पढ़ने कहा जा रहा है, बच्चे डर से पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे, अल्लाह से नहीं डरते, तो आप उनको समझाओ, उनको बताओ, कुरान की आयतें पढ़ के सुनाओ, हदीसें सुनाओ, अहमियत बताओ, और कई बार क्या होता है ना, नमाज की ही नहीं अल्लाह के बारे में बताओ। क्या होता है कि ईमान जब कमजोर होता है ना तो अमल भी कमजोर होता है, तो ईमान मजबूत होगा तो अमल भी मजबूत होगा, तो अल्लाह के बारे में, कयामत के दिन के बारे में, अल्लाह के कितने एहसान है, कयामत के दिन के मंजर के ताल्लुक से, हिसाब व किताब के ताल्लुक से, वो बातें बताओ। कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम कहीं और होता है और रिजल्ट उसका 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 जो चीजें है ना कहीं और दिखती है, अभी नमाज में कमजोर है खाली कोई नमाज की बात कर रहा है, नहीं, पहले ईमानियात पे बात करो, वहां से तौहीद पे बात करो, वहां से जाकर ईमान पर असर आता है उसका। ओके, अस्थमा में पफ ले सकते हैं, ये अगली बार आने वाला है इंशाल्लाह, सवाल दो तीन बार पूछा है लोगों ने। शॉर्ट में जवाब ये है कि कोई भी गिजा वाली चीज नहीं ले सकते हैं, मतलब जिसमें गिजा हो, लेकिन जो चीज के अंदर, इसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह बताकर समझाऊंगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे लेंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल है कि हैदराबादी पूरी रात होटल में गुजारते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब सिर्फ हैदराबादी की बात नहीं है, हम कोई किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, मुंबई में भी कॉमन चीज है, और हमें गौर करना चाहिए। देखिए, कई बार ये सवाल है, हम अपने अंदर बहुत चीजें मिस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या लैलतुल कद्र की रात में आने वाले फ्यूचर के फैसले हो जाते हैं? मैं लैलतुल कद्र की हदीस नेक्स्ट टाइम बताने वाला हूँ। फ्यूचर यानी एक साल के फैसले नाजिल होते हैं, लेकिन ये जो फैसले नाजिल होते हैं ये तकदीर मुअल्लक होते हैं, मतलब ये चीज बदल भी जाए, बदल भी सकती है,
अल्लाह ताला चाहे तो बदल भी सकती है। क्या ये हदीस और दुआएं ग्रुप में मिल सकती है? जी हाँ, ये पावर पॉइंट लास्ट टाइम की भी आपको मिली होगी और आज की भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। पावर पॉइंट शकील भाई शेयर कर दीजिए आप द अर्लीस्ट। जी इंशाल्लाह। ओके, बच्चों को किस उम्र से रोजा फर्ज होता है? देखिए छोटे बच्चे, जब एक होता है बालिग होने के बाद फर्ज हो जाता है, लेकिन बच्चे छोटे भी होते हैं तो सहाबा रखाया करते थे बच्चों को रोजे, क्योंकि क्या होता है कि आदत बनती है उनकी बचपन से, और बचपन में आदत नहीं हो और बड़े होने के बाद बालिग होने के बाद कहा जाए तो वो कर नहीं पाएंगे। तो सहाबा का यहाँ पे मामला था कि बच्चे जब रोने लगते थे तो उनको टॉयज वगैरह देकर, कुछ खिलौने देकर उनको रोजा रखाया करते थे। ये हदीस मुहर्रम के रोजे के ताल्लुक से बारे में मिलती है। रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले मुहर्रम के रोजे फर्ज थे, का रोजा फर्ज था, आशूरे का रोजा फर्ज था। जब मुहर्रम के रोजे फर्ज हो गए तो आशूरे का रोजा फर्ज नहीं रहा। तो हमें ये बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो हदीस मुहर्रम के रोजे के ताल्लुक से, लेकिन हमें करना चाहिए। जी, शाबान शॉपिंग फेस्टिवल, वेरी नाइस, SSF। हाँ, ये एक सवाल है सिस्टर रूही का कि रमजान में इफ्तार की दावतों को कैसे मना करें, क्योंकि दावतों में अक्सर बातें ज्यादा इबादत कम होती है। देखिए कैसा है कि आपको देख कर करना है, सिचुएशन के हिसाब से करना है। शकील भाई, आपको जवाब देना चाह रहे हो इस सवाल का? नहीं, ये क्लिक किया हुआ है यहाँ पे। ओके ओके, तो हमें केस टू केस बेसिस पे, कभी कभार क्या होता है रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ने का मौका मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ी नहीं की, आपको पता है बड़ा सवाब है कि रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ी जाए। क्योंकि होता क्या है, ये आजकल की बिजी लाइफ के अंदर लोग कमर्शियल अपने रूम्स में बंद हो जाते हैं घर में और किसी से मुलाकात नहीं होती है, तो पड़ोसियों को दावत देना है, हमें टीम की दावत देना है, तो कैसे मुलाकात ही नहीं होती, कौन पड़ोसी मालूम ही नहीं। अब किसी बहाने किसी ने दावत कर दी, सब पड़ोसी आओ भाई, तो दावत के अंदर साथ में मिलकर इफ्तार करने में सवाब तो है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्यों ना उस मौके को दीन की दावत के लिए इस्तेमाल करें। जो लोग गपशप और बुरी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अच्छी नीयत से जाएंगे वहां, जाके एक अच्छी पैम्फलेट ले आएंगे, चलो आप सबके लिए मैंने गिफ्ट लाया है, ये किताब का मैं आपको देना चाहता हूँ, ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, चलो करो थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, दुआ की अच्छी किताब सबको दे दो, सब लोग पसंद करेंगे, दुआएं भी पढ़ेंगे, आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छी वीडियो शेयर करो, बोलना मैं आप सबको कोर्स में दावत देना चाहता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी ज्वाइन करिए इंशाल्लाह। कितनी अच्छी चीजें हो सकती है, रिश्तेदार हो, लेकिन जहां पे बुरी कंपनी है, जहां पे जली सिसू बुरे लोग हैं, जहां पे कोई एक इंसान मुतासर हो सकता है, तो वैसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। आपको पता है मेरी वहां कुछ चलेगी नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, वहां से बचो इंशाल्लाह। नेक्स्ट, उर्दू ट्रांसलेशन PDF। जी, तो उर्दू ट्रांसलेशन अल्हम्दुलिल्लाह जवाब किसी ने ऑलरेडी दे दिया। नेक्स्ट, नीचे आ रहा हूं मैं। क्या प्रेग्नेंट औरतें रोजा रख सकती हैं? जी, ये डिटेल आने वाली है। प्रेग्नेंट औरतें रोजा रख सकती हैं जब तक उनको नुकसान होने का इम्कान ना हो, नुकसान होने का उसमें वो नहीं लग रहा है, तब तक रोजा रख सकती है। जहां पर उसे उसे लग रहा है कि उसे हेल्थ को नुकसान हो जाएगा, उसके बच्चे को नुकसान होगा, तो उसके लिए कंसेशन है, जो हदीस मैं आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट टाइम लाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए, नेक्स्ट टाइम के सवाल अभी मत लाइए, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा अगर अभी सवाल हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों को किस उम्र से, मैं बता चुका हूँ। फरागत क्या होती है? फरागत फ्री टाइम होता है। ईटिंग इंक्रीज हो तो डिक्रीज कैसे करें, डिक्रीज कैसे करें? जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो वो गोल रखो कि मैं कम खाना चाहता हूँ, फिर स्ट्रगल करें, और पेट भरने तक लोग जो खाते हैं ना, तो उन्हें ये करना चाहिए 1/3, और ये हम सबके लिए है। और छोटे छोटे निवाले जो खाते हैं ना, तो क्या होता है कि देखिए हमारा पेट जो है भर जाता है, लेकिन ब्रेन को सिग्नल जो है बाद में मिलता है कि पेट भर गया, तो तब तक ज्यादा खा चुका होता है, तो स्लो स्लो खाते हैं, ज्यादा चबा के खाते हैं, तो फिलिंग फुल होने के एहसास जल्दी पहुंचता है दिमाग तक, और फिर एक इंसान उसमें रुकता है। ओके, इंग्लिश में, उर्दू में कुरान ट्रांसलेशन। ओके, हाँ, बेस्ट ऐप फॉर एनहांसिंग अ दीन, क्या ऐप यूज करना ठीक है? जी, कोई दीन है, कोई ऐप हो जिसमें माशाल्लाह आपको दीनदार चीजें मिल रही है, जैसे आप मिसाल के तौर पे ईमान इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, आपको वहां पे इस्लामिक कोर्सेज मिलेंगे। iPlus TV का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें 9000 से ज्यादा वीडियोज है माशाल्लाह, ठीक है। कुरान ट्रांसलेशन और कोई भी ऑथेंटिक ऐप यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुलाम मत बनो कि सोशल मीडिया ऐप्स में लगे हुए हैं, बहुत संभालना होता है आपको, अपने ईमान को संभालना होता है। ओके, कुरान ट्रांसलेशन में इंग्लिश में, लेकिन क्या उर्दू में नहीं? ओके, देखिए कुरान इंग्लिश उर्दू दोनों में अवेलेबल है। अच्छा, एक सवाल है,
मेरी गर्लफ्रेंड अहले हदीस है, देखो पहले बात समझो मेरे ब्रदर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ला यखलु अन रजुलन बिमरातिन इल्ला काना थालिसहुमा शैतान, जब कोई मर्द और औरत अकेले होते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। तो आप शादी के बाद उसको फ्रेंड बना सकते हैं, शादी से पहले फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सिस्टम नहीं सही है। आफ्टर मैरिज आप कर सकते हैं, उसको फ्रेंड बना सकते हैं आफ्टर, देखो मैरिज पहले फिर फ्रेंडशिप, ओके इंशाल्लाह। तो आप हलाल तरीके से करिए, अल्लाह की रहनुमाई में रहकर करिए इंशाल्लाह। तो शादी करने का तरीका यही है कि गर्ल के वली को अप्रोच करना होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बि वली, वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता, वह शाहिद अदल, दो गवाहों के बगैर। तो वली जो होता है, जो फादर है, उनको बात करना होता है। लोग क्या होता है गर्ल के ऊपर फोकस करते हैं, गर्ल पे फोकस नहीं करना होता, गर्ल के फादर पे फोकस करना होता है इंशाल्लाह। गर्ल के फादर से बात करो, उनके सामने प्रपोजल रखो, उनको कन्विंस करो, अगर वो कन्विंस हो गए और वो इजाजत दे दिए तो निकाह करिए, अगर वो ना बोल दिए तो भूल जाओ, हाँ दूसरी कोई हलाल तरीके से किसी और लड़की से करो जिसके अब्बा रेडी, जिसके वली रेडी हो शादी कराए, और जिसके वली रेडी ना हो तो याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा इमरादी, जो कोई औरत नकहत बिनफसिहा बिगैर इज़्नि वलीहा फनिकाहुहा बातिल, जो कोई औरत अपने वली की इजाजत के बगैर खुद ही शादी कर ले तो उसका उसका निकाह बातिल। और कभी अगर कोई अनरीजनेबल बात अगर वली कर रहे हैं तो आप काजी के सामने जाकर वो बात को रख सकते हैं, काजी वली की बात सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुल्तान वली अमन अल्लाह वली अल्लाह, एक सुल्तान जो हाकिम होता है, जो जिम्मेदार होता है मुसलमानों का, वो उसका वली है जिसका कोई वली नहीं, तो वो उसकी पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन पहले प्रोसीजर है, सिस्टम है, मतलब हमें ये जो ये वाला जो सिस्टम है ना, जो फ्लर्टिंग वाला, ये नहीं सही है, इस्लामिकली नहीं सही है। हाँ जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट, क्या घर पर एतकाफ बैठकर, एतकाफ का टॉपिक नेक्स्ट इंशाल्लाह, ये हैबिट डेवलप करें के लिए अगर अपने कैलेंडर में ये प्रायोरिटीज लिखकर ट्रैक करें तो कैसा है? गुड, जो भी चलता है आपको कैलेंडर में प्रायोरिटीज लिखिए, अपने डेस्कटॉप पे लिख के लगा दीजिए माय गोल्स इंशाल्लाह फॉर रमजान, और जोश और जज्बे के साथ कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करें। क्या कुरान देखकर तरावी में पढ़ सकते हैं? जी मैं बता चुका हूँ, पढ़ सकते हैं। उसके बारे में ज़कवान की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गुलाम थे ज़कवान, जो कुरान देख कर पढ़ाया करते थे, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और सहाबा की बात जमात वो लोग पढ़ा करते थे, उनके पीछे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ नुकसान होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो वो बेटर है, लेकिन नहीं याद है ज्यादा, थोड़ा सा याद है, पढ़ के पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा कहीं उसमें लॉस भी होता है जी, फायदा ज्यादा है तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर रोजा ना रखा तो क्या फिदिया दे सकते हैं? देखिए कैसा है ना, कोई बीमार हो, कौन सा टर्मिनल इल, तो वो फिदिया दे सकता है, यानी कि जो जिसके शिफा की उम्मीद नहीं, या बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं जो रोजा रख नहीं सकते हैं तो वो फिदिया दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई तंदुरुस्त है या टेम्पररी बीमार है, टेम्पररी बीमार यानी अभी बीमार हूँ ठीक हो जाऊंगा, तो फिर दूसरे बाद के दिनों में रोजा रखना चाहिए इंशाल्लाह। ओके, रमजान की तरह तैयारी सहाबा 6 महीने पहले से करते थे, तो हमें इस रमजान के लिए कुछ इबादत में इजाफा करने की कोशिश शुरू की है, जैसे तहज्जुद में। वेरी गुड माशाल्लाह, पहले से शुरू कोशिश करिए ताकि रमजान में आसानी हो, कुरान पढ़ते नहीं थे अभी से पढ़ना शुरू करो ताकि कुरान रमजान में और आसानी से पढ़ा जा सके इंशाल्लाह। जी करिए, अच्छी चीज है, बारकल्लाह। ओके, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीड कुरान? तर्जुमे के साथ, अरबिक मतन के साथ, तजवीद के साथ सही तरह से पढ़ा जाए, रेगुलर पढ़ा जाए, डेली पढ़ा जाए, विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूसली उसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रखा जाए, ठीक है? कुरान, ओके, कुरान स्टडी स्टार्ट कहां से करें? फर्स्ट सूरा से करिए, फर्स्ट सूरा से, सूरतुल फातिहा से स्टार्ट करिए इंशाल्लाह। फुल कुरान का टारगेट बताइए, नॉट डिफिकल्ट, रमजान के एंड तक आपका पूरा कुरान खत्म होना चाहिए इंशाल्लाह, अरबिक विद ट्रांसलेशन इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट, कुरान ऑडियो विद ट्रांसलेशन सुने और पढ़ने से सेम रिवॉर्ड मिलता है, तिलावत नहीं कर रहे हैं तो सेम रिवॉर्ड नहीं होगा, ऑडियो में सुनने का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, सवाब है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज नहीं, क्योंकि हर हर्फ का रिवॉर्ड होता है पढ़ने का, तो पढ़ने में ज्यादा सवाब है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है? कुरान ट्रांसलेशन के साथ तरावी के अलावा पढ़ सकते हैं अभी से, मतलब तरावी के अलावा कुरान पढ़ सकते हैं? जी हाँ पढ़ सकते हैं,
क्या तरावी, देखो तरावी जो है ना, जो क़यामुल लैल रात में तहज्जुद, क़यामुल लैल भी तरावी है, रमजान उसे तरावी कहते हैं। तो तरावी क्या पहले से पढ़ सकते हैं, तो तरावी वो नहीं हुई उसे क़यामुल लैल कहेंगे, तरावी क़यामुल लैल कहेंगे, तहज्जुद कहेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। और कुरान पढ़ने के कुरान पढ़ना बिल्कुल पढ़िए, लेकिन तरावी के अंदर ट्रांसलेशन के साथ ये बिल्कुल नहीं, तरावी में सिर्फ अरबिक होगा। हाँ, अगर ये मैं जो सवाल समझ पा रहा हूँ वही जवाब दे पाऊंगा। लेडीज पीरियड में कुरान की तिलावत मोबाइल से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं इंशाल्लाह। और इस बारे में इख्तलाफ है उलमा में, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बात यह कि लेडीज पीरियड्स में भी कुरान की तिलावत कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में देखना चाहते हैं तो ये जो है जरिया है, हाँ ये जो है जरिया है। और इसके अंदर इख्तलाफ है, अगर आप चेक किफायतुल्लाह सनाबली का आंसर देखें आईपीएस टीवी के अंदर, उनकी वीडियो क्लिप्स के अवेलेबल है। ठीक है, ओके नीचे आ रहा हूँ। शकील भाई जरा जो मैं स्किप किया हूँ, यानी कि वो ऑलरेडी जवाब कहीं ना कहीं आ चुका है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। दौरा कुरान की अच्छे रेफरेंसेस बताएं, तो कुरान रीड करने के लिए आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिए। शकील भाई आपने डाले वो वीडियो? हाँ डाल दिए, डाल दिए, डाल दिए, ओके वेरी गुड। तो तरीका बता दें कि कब करें, कैसे करें और क्या क्या मांगे। ओके, तो दुआ ना, दुआ एनी टाइम मांगिए, खैर की चीजें मांगिए, हलाल चीजें मांगिए, सिर्फ दुनिया में मांगिए, आखिरत में मांगिए, और जिद से मांगिए, यकीन से मांगिए, अल्लाह ताला से यकीन से मांगिए, और अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करके मांगिए। ओके इंशाल्लाह, दुआ अपनी जुबान में मांग सकते हैं, यस अपनी जुबान में मांग सकते हैं, अरबिक में पढ़ेंगे तो, और जो दुआएं मसनूना है पढ़ेंगे तो अपना उसका सवाब है, लेकिन अपने अल्फाज में अल्लाह से दुआ करिए। अल्लाह ताला उर्दू वगैरह इंग्लिश जो जुबान में दुआ करनी करिए, अल्लाह ताला जानते हैं। ओके, एक सवाल है, तरावी 10-11 बजे तक हो जाती है, फिर क्या हम क़याम तहज्जुद कैसे पढ़ सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं आप, इस बारे में इख्तलाफ है उलमा का, लेकिन ज्यादा सही बात यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल लैल वल नहार मसना मसना, रात और दिन की नमाज दो दो रकातें, दो दो रकातें पढ़ते जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह आने का अंदेशा हो तो एक रकात वितर पढ़ लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, इसमें कोई शक, और वो लंबी लंबी रकातें होती थी, तो वही सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर किसी की नमाज तहज्जुद जैसे तरावी जो है 10-11 बजे तक हो गई, अब दिल चाह रहा है और पढ़ो, तो क्या मना किया गया कि दो से ज्यादा तुम 11 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते? तो मना नहीं किया गया, क्योंकि हदीस क्या है, दो दो रकातें पढ़ते जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त कह देते कि 11 से ज्यादा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कहा। तो लंबी लंबी रकातें पढ़ रहे हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रकात के अंदर सूरह बकरा भी है, सूरह आल इमरान भी है, सूरह निसा भी है, लंबी लंबी रकातें। तो अगर आपकी लंबी लंबी रकातें हैं तो फार बेटर, कम क्वांटिटी और ज्यादा लंबी। लेकिन अगर आप तरावी पढ़ चुके इमाम साहब के साथ और दिल चाह रहे और पढ़े तो पढ़ लीजिए, कहीं मना नहीं है कि ज्यादा नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। हालांकि उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन ये बात की प्रूफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अल्लाह आलम। रोजा ईमान के साथ रखना है, इससे थोड़ा अच्छे से समझाएं। ईमान के साथ का मतलब क्या? देखो, एक होता है रोजा कोई रख रहा है क्योंकि कल्चरल मुस्लिम, सब लोग रोजा रखें, मैं भी रोजा रखें, हम लोग रोजा नहीं रखेंगे तो लोग बुरा बोलेंगे, इसलिए रख रहा हूँ। नहीं, एक होता है ईमान के साथ, यानी अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा, ये हुआ ईमान के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह के लिए खाना पानी छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, दिल को साफ करने से रिलेटेड एक सहाबा की हदीस है, वो बताइए। जो सहाबी के बारे में आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अब आने वाले हैं वो जन्नती हैं, तो उनके बारे में बाद में जो सहाबी ने जाके चेक किया और देखा तो पता चला कि उन्होंने आखिर में जब बताया, वो ये बताया कि मैं जब सोता हूँ तो किसी के लिए दिल में कोई गिला रख के नहीं सोता हूँ। मैं इसका मफहूम बिल मफहूम बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट रेफरेंस अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तकलीफ को इंजॉय कैसा कर सकते हैं? ओके, तो तकलीफ को इंजॉय करने का तरीका ये है ना कि वो तकलीफ का सवाब क्या है, तकलीफ से फायदा क्या है, हाँ ये याद रखो, उसको सोचो, हाँ उसको सोचो, इससे एंडिंग में मिलेगा क्या, कि आज तो मैं तकलीफ है, कल मैं जहन्नम की आंख से कितना दूर हो रहा हूं, एक एक रोजे से जहन्नम की आंख से मैं कितना दूर पहुंच रहा हूं, और कुरान की हर जो लंबा क़याम कर रहा हूँ, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़न्बी, पिछले गुनाह माफ होते हैं, तो मैं क़यामुल लैल कर रहा हूँ, मेरे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, खाली हो जाएगा सब अकाउंट, तराजू में निकी रहेगी, गुनाह सब साफ, कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो तकलीफ को इंजॉय करने का तरीका ये है ना, उसका सवाब पता हो तो आदमी इंजॉय कर सकता है। ओके, बहुत सारे सवाल है। अच्छा जी, जिसने रमजान में दाखिल होने से पहले ही दिल को साफ करने तलकीन की, जिसमें रमजान को दाखिल होने से पहले दिल को साफ करने की तलकीन है, ये कहा है? अच्छा चलो, वो होगी बात। रमजान रोमन इंग्लिश
में कौन सा कुरान ट्रांसलेशन अच्छा है, ये रोमन इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आपको किसी ने डाला है यहाँ पे, रोमन इंग्लिश में अहसन उल बयान भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह, और वो भी देख सकते हैं, और मैंने वो वीडियो में रोमन इंग्लिश का भी गाइड किया है। सर जुबान से तो हम कह दें मगर उसकी बारे में, ओके, जो बुरे ख्याल किसी के बारे में हो, किसी के बारे में बुरे ख्याल की बात हो रही है ना, ठीक है, तो जुबान से भी हम बुरे ख्याल हम बचे हैं, और दिल को भी साफ करते हैं, मतलब दिल में ख्याल भी ना रहे अल्लाह के लिए, अल्लाह तेरे लिए मैं माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मतलब हम अल्लाह से उम्मीद करें, अल्लाह से बात करें, रब्बुल आलमीन मैं तेरे लिए फला फला को माफ कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट, ईमान के साथ रोजा रखने का क्या मतलब, आ चुका है सवाल, क्या इन गोल्स को लिखना कहाँ गया, शकील भाई डिसअपीयर हो गया सवाल, हाँ वो हो गया था ना इसके लिए, वो उसको आंसर अभी पढ़ रहा था, अच्छा वो हो चुका था, ओके ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लगा। सर बेसिकली जब वो ये था कि अगर जो प्लानर्स बनाते हैं और उसमें सब गोल्स लिखते हैं, गोल्स नहीं मतलब कि सब चेक मार्क्स होती है, चेकलिस्ट होती है, बारकल्ला बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हां जी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तर्जुमा तफसीर ऑफ द कुरान डिफरेंसेस, तर्जुमा एंड तफसीर, देखिए तर्जुमा तफसीर दोनों की गाइडेंस मैंने वो वीडियो में दिया है, आप जरूर वो वीडियो देखिए इंशाल्लाह। तफसीर हकीकत में तर्जुमा खुद भी तफसीर है, शॉर्ट तफसीर है, क्योंकि कुरान अनट्रांसलेटेबल किताब, वो वर्ड्स जो एक इंसान यूज कर रहा है वो हकीकत में एक तफसीर ही है, तर्जुमा भी तफसीर ही कुरान की, ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, रमजान में दौरा कुरान दुरूस होते हैं, तो अटेंड करना ज्यादा अच्छा है, मुकम्मल कुरान शॉर्ट तफसीर, दौरा कुरान लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से अटेंड करिए, ये सब याद रखिए, क्योंकि बाज दीनी हलकों में शिर्क करने की तालीम मिलती है, बिदात करने की तालीम मिलती है, मतलब ये शिर्क और बिदात की जो तालीम है जो एक इंसान को बर्बाद कर सकती है, वो ऐसा नहीं कि चोर लोग देते हैं, डाकू लोग देते हैं, वो भी दीनी हलकों में, तो दीनी हलकों में आपको सिलेक्टिव होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स से इल्म हासिल करें, ये बात बहुत ख्याल रखिए कि जहाँ पे ऑथेंटिक हो, जहाँ पे कुरान और सही हदीस से बताई जाती है, आप अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो उसमें वो चीज और मजबूती से समझेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन जहाँ पे तौहीद सुन्नत और सही हदीसों की रोशनी में बात होती है, बिदात से बचकर सहाबा और सलफ के तरीके पर रहकर, तो वो जगह से इस ऑथेंटिक जगह से हासिल करिए, ओके। अगर कोई खा रहा, ओके एक मिनट सॉरी, रमजान में कौन सा अमल बेस्ट अमल करना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, सब चीजें दुआ रोजा ज़कात और सारी चीज सदका और रमजान में क़ियामुल्लैल लोगों को माफ करना अल्लाह से दुआएं करना बहुत सी चीजें हैं। अगर कोई खा रहे हो और ऑनलाइन आपकी क्लास कर रहे हो तो क्या ये कर सकते हैं? खा रहे हैं, अगर खाने का टाइम हो गया आप खा रहे हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो करिए, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेंट्रेशन कम भी हो सकता है, तो बेटर है खा पी के बेहतर बैठें, नोटबुक लेकर लिखें, उतना ज्यादा सवाब मिलेगा, मतलब सवाब की बात की उतना ज्यादा आप याद रख पाएंगे चीजों को इंशाल्लाह, ओके। सुनन इब्न माजा की फला हदीस के मुताबिक 15 शाबान के बाद रोजे रखे जा सकते, नहीं रखे जाने चाहिए। देखिए ये जो हदीस है इसके अंदर 15 शाबान के बाद रोजे नहीं रखने के ताल्लुक से है, तो ये वो लोगों के लिए है जो रोजा नहीं रख रहे थे, लेकिन कोई अगर शुरू से रख रहा था तो वो रख सकता है आगे, सिर्फ लास्ट एंडिंग में जो लास्ट डाउटफुल दिन होता है रमजान से पहले उसमें रखना रोजा रखना मना है, हाँ, लेकिन बाकी जो रख रहा था शुरू से वो रख सकता है, जो नहीं रखा शुरू से वो 15 शाबान के बाद स्टार्ट करे तो नहीं उसे मना किया गया, सही बात नहीं, 15 शाबान के बाद वो रोजा रखना ना शुरू करे, क्योंकि रमजान के अंदर रमजान के रोजों में फिर वो उसका ताकत कम होगी, उस थकान आ जाएगी, बेहतर उससे बचा जाए। क्या हो गया कि वक्त ज्यादा हो गया, तो ऐसा करेंगे हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, अगले हफ्ते से मसाइल स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आप सबको दावत देता हूँ वक्त से पहले आइए इंशाल्लाह क्लास में, हम इंशाल्लाह 9:15 क्लास शुरू करेंगे, 10:45 तक ऑफिशियल क्लास रहेगी, रमदान के मसाइल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शुरू करने वाले हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते में, इजाजत चाहूंगा अभी के लिए, अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सब का यहाँ पे हाजिर होना कबूल करें और हम सबको इन बातों में जो नसीहत है वो नसीहत को अपनी जिंदगी में
قبول کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سب کو ایک ہی راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.